तेज करिए, यहाँ से भी तेज कीजिएगा ना, थोड़ा सा पीछे तक आवाज है नादिया। मैं कहती यहाँ से थोड़ी सी कहूँ उसको, पीछे निशान। हाँ नहीं, पीछे तक ना थोड़ा सा। आवाज पीछे तक आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप लोग सब बैठ जाइए इंशाल्लाह। सही बात है, बस आप इंशाल्लाह वो प्ले कीजिए शुरू से, उसके बाद फौरन स्टार्ट करेंगे। आमिना, अरे मैं तो सोच रहा والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
سلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف آپ سب؟ الحمد لله، خوشی سے آئے ہیں؟ الحمد لله. کتنے لوگ ہیں جو خوشی خوشی آئے؟ کتنے لوگ ہیں جو دعا کے لیے آئے ہیں؟ कितने लोग हैं जो कितने दोनों के लिए, कितने लोग हैं जो इबादुल रहमान बनने के लिए आए हैं? मरियम ने सबसे पहले हाथ माशाल्लाह ऊपर किया है, बारक अल्लाह सबने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। जो बहने खास लिए आई, खास आई हैं आज के दिन के लिए, स्पेशल के लिए, तो जो भी बाकी जो भी उन्होंने बाद में जिस तरह से भी सुना, अल्लाह ताला उनका आना कबूल करे और उनको भी इस सारी खैर बरकत से नवाज दे जो सिस्टर्स इतने दिनों से फायदा ले रही है, इंशाल्लाह। चलिए, दुआ कर लिए, इंशाल्लाह हम चलते हैं अपने इंशाल्लाह शाहरु सबर की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत हमने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये महीना शाहरु सबर का है, सबर का महीना है। और आपको पता है कि इस महीने में सबसे ज्यादा लोग अपना सबर को लूज करते हैं, टेम्पर को लूज करते हैं ना। तो हमने देखा था कि ये जो शाहरु सबर है, सबर के महीने में हम उन आयात को देख रहे थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा था कि उन आयात को हम देख रहे थे कि जो वाकई, जिसे कहा जाए कि जो हदीस के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है हमें कि क्या क्या, जिसे कहा जाए जो चीजें बाकी हैं, मुराद है कि हम ये देखना चाहेंगे कि सुभान अल्लाह के हदीस के हवाले से सबर के लिए हमें क्या मेंशन किया गया। अब तक हमने कुरान मजीद को देखा कि कुरान मजीद की रोशनी में क्या कुछ है जो कि सबर से रेलेवेंट है, और अब हम हदीस के अंदर देखेंगे, जो हम देख चुके हैं उसका लास्ट हिस्सा इंशाल्लाह देखते हुए आगे चलेंगे। चलिए, आज हम देखेंगे शिकवा दो तरह का होता है, एक होता है जबान से शिकवा करना और दूसरा जो है वो हाल से शिकवा करना। शायद कि ये दूसरा ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस पर नियमत फरमाए तो वो पसंद फरमाता है कि उसका निशान उस पर नजर आए। आप देखिए, आप जबान से शिकवा करते हैं और एक अपने हाल से करते हैं, यानी आप जबान से तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन आपका पोस्चर, आपका एटीट्यूड बता रहा है कि आप उस, जो भी आपके साथ कुछ हो रहा है, जो भी आपके साथ पेन है, कोई तकलीफ है, लेकिन आपका पोस्चर बता रहा है कि आप उस पर खुश नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको एक बॉडी दी है, जिस्म दिया है, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो बॉडी जिस मकसद के लिए, अब आप सोचिए, मैं आपके सामने बैठी हूँ परेशान हार लगू, तो ये तो जैसे कहा जाए इस जिस्म का शुक्र अदा नहीं है, इस चेहरे का शुक्र अदा नहीं है ना। अल्लाह ताला ने आप सबको इतने खूबसूरत चेहरे दिए, बारकल्ला, और फिर इस खूबसूरत चेहरे का हक क्या है कि आप ऐसे मौके पर जब कोई अल्लाह ताला आपको तकलीफ में डाले, तो ऐसे मौके पर ना सिर्फ आप जबान से बल्कि अपने पोस्चर से भी, अपने एटीट्यूड से भी, अपने एक्शन से भी, अपने फेस से भी दिखाएं कि आप अल्लाह की रजा पर राजी हैं। तो उसी के बारे में बताते हैं कि अक्सर लोग जबान से तो कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग अपने जबान को रोक लेंगे लेकिन अपने पोस्चर से बता देते हैं कि
यार मतलब ये खुश नहीं है, इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए बताया कि सब्र के मुनाफी कुछ चीजें हैं, और वो क्या है, मुसीबत के वक्त कपड़े फाड़ना। अब कोई प्रॉब्लम आई, कोई अपना कपड़ा फाड़ने लग जाए, इसी तरह रुखसार पीछना, इसी तरह एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारना। मेरे साथ कोई शेयर कर रहा था, किसी के यहाँ डेथ हुई, किसी के बेटे का पता चला, और जब उन्होंने देखा कि पुलिस आई है, तो इससे पता चल गया, एक पुलिस दूसरे पुलिस को पता है कि जब कोई इस तरह की पुलिस उस वक्त आती है जब कुछ ना कुछ इस तरह के एक्शन होते हैं, और उनके अपने बेटे के इंतकाल की खबर थी, तो उस वक्त क्या हुआ, जो भी हाथ तब ऐसे करके उन्होंने टेबल पे मारा। दिस इज द एक्शन, ये एक्शन होता है समटाइम। तो ये भी एक तरह से क्या, ये सबर के मनाफी है, ये एक्शन भी मुझे और आपको कंट्रोल करना है। और कुछ लोग तो जिसे कहा जाए अपने सरों को मंडवा लेते हैं अपने लिए, किसी के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए, फिर बददुआएं करने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि यहाँ बता रहे हैं, बुलंद आवाज से रोने वाली हूँ और सर मुंडवाने वाली हूँ और कपड़े फाड़ने वाली हूँ से मैं भरी हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और आज ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको साहिबे इल्म बनाया, आप दीनी महफिल में जाते हैं आते हैं, आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं आप देखिए जो इससे खाली नहीं। और वो जब इस तरह की कोई मुसीबत आती है तो वो कैसे अपने आप को इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह देखिए, अहनफ ने अपने चचा से दाढ़ की तकलीफ की शिकायत की, जो मोलर्स होते हैं ना पीछे जो दाढ़ी है, उसकी शिकायत की, तो उसने कहा तू मुझे बार बार ना बता, मेरी आंखों की तो बिनाई 40 साल से चली गई और मैंने किसी को नहीं बताया। आपको याद है जो एक था, मैंने आपको इस्लाम के बारे में बताया था कि जो इस्लाम थे वो इस तरह से उनको औरतें समझती थी, पर्दे के हवाले से बताया था कि लोग समझते थे शायद ये नाबीना ही है ना, इनके बारे में आपको याद है जिन्होंने पर्दे का लेक्चर सुना, सुभान अल्लाह। तो वही बात है कि ये 40 साल जिसे कहा जाए इनकी आंखें नहीं रही, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। तो मुसीबत के वक्त बेसब्री और नियमत के वक्त दूसरों से रोकना, ये सब्र के मनाफी है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इजा मस्सहु शरु जजुआ व इजा मस्सहु अलखैरु मनुआ, बिला शुबा इंसान धड़ दिल वाला है, मानी बहुत एंशियस है, जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो बहुत घबरा जाने वाला है, इम्पेशेंट हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है, और जब भलाई मिलती है तो बहुत रोकने वाला हो जाता है, चाहता है कि सारी खैर और सारी भलाई बस मुझे ही मिल जाए, मेरे अलावा कहीं वो भलाई जो है वो आगे ना जाए। इसीलिए आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमने सबर की मुख्तलिफ टाइप देखी, किस किस तरह से सबर होता है, फिर हमने कुरानी मजीद की रोशनी में देखा, फिर हमने अहदीस की रोशनी में देखा, अब हम लास्ट में देखेंगे जो सबर और इस्तेकामत के पहाड़ थे, कौन थे ऐसे लोग, कौन थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिदना अनस रदी अल्लाहु अनु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह की राह में इस कदर अजियत दी गई कि किसी और को इतनी अजियत नहीं दी गई, और मुझे अल्लाह के रास्ते में इतना डराया गया कि इतना किसी और को खौफजदा नहीं किया गया। मुझ पर 3 रातें और 3 दिन ऐसे गुजरी कि मेरे और बिलाल के पास इतना खाना भी ना था, इतना भूख भी नहीं था जिसे कोई जिगर वाला खाए, वो इतना कम होता कि जिसे बिलाल रदी अल्लाहु अनु बगल में छुपा लेते। इमेजिनेशन में लाएं बगल के नीचे कितनी सी चीज आएगी, उस अल्लाह हु अकबर। 3 रातें 3 दिन आपने कितने खौफ में जैसे काजा गुजारे, और अगर आपको याद है वो क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पड़ोसी था उकबा बिन अबी मुईद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा काबे में नमाज पढ़ रहे थे, और क्या था, उकबा बिन मुईद जो कि आपका नेबर था, पड़ोसी था, आपके पास आया और अपनी चादर आपके गले में डाल दी। आप सोचिए चादर को गले में डाला, ज्यादा देर तक हम स्कार्फ ही बांधे रहे तो मतलब होता है कि अब खोल दो, इंसानी फितरत है, ठीक है, फिर इस चादर को मोड़ दे, मैंने मरोड़ने लगा ऐसे करके टाई करने लगा जिससे आपका गला घुटना शुरू कर दिया, यानी मुराद है कि आपका गला घुटने लगा, करीब था कि वो आपका काम तमाम कर जाता। इतने में अबू बकर रजी अल्लाह अनु आ गए, उन्होंने उकबा को धकेला, पुश किया और आपको छुड़ाया, और कहने लगे अतख्तलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह वकद जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम, क्या तुम इस शख्स को महज इसलिए मार देना चाहते हो, मार डालना चाहते हो कि वो कहता है कि हमारा रब अल्लाह है,
हालांकि वो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां लेकर आए। तो आज भी जो दीन के काम करते हैं तकलीफें आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे ज्यादा आजमाए गए। इसी तरह अस्मा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत में मजीद डिटेल है कि जब उकबा बिन अबी मुईत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा डालकर जोर से घूटा तो आपके मुंह से ये चीख निकल गई, अपने साथी को बचाओ। अबू बकर रजी अल्लाह अनु महज इत्तफाक नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीख सुनकर आपको बचाने के लिए आए थे। और अबू बकर रजी अल्लाह उन्होंने उकबा को पुश किया, परे हटाया, तो मुशरिकीन अबू बकर रदी अल्लाह अनु पे बल पड़े, कूद पड़े। और फिर जब अबू बकर रदी अल्लाह अनु वापस लौटे तो उनकी ये कैफियत थी कि उनके जो बालों की जो चोटियां थी ना, वो हमारी जो चुटकी होती ना, से हमारी जो ये पिंच होती है इसके अंदर आने लगी। इतना मारा अबू बकर को। इन मुशरिकीन का दांव याद रखे उस वक्त बहुत चलता था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में नमाज पढ़ते थे। और एक दफा ये हुआ कि आप सिजदे में गए तो उकबा ने आपकी गर्दन पर पांव रख दिया। इमेजिनेशन में ला, फिर उस जोर से रोंदा कि ऐसा मालूम होता था कि आपकी दोनों आंखें बाहर निकल आएंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के रास्ते में सताए गए। अब हम इससे किसी को ऐसी कोई चोट आई है, हम तो जरा सा स्कार्फ पहन लेते हैं और अगर मीडिया पे मुसलमानों के खिलाफ मतलब मुसलमानों पे कोई प्रोपेगेंडा हो जाए हम तो स्कार्फ को उठा के साइड पे कर देते हैं, हमारी आइडेंटिटी छुप जाए, कोई हमें पहचाने नहीं कि वी आर द मुस्लिम। आप सोचिए ये हमारे नबी हैं और हम उनकी ये उम्मत है कि हम थोड़ी सी अल्लाह के रास्ते में तकलीफ आती वो नहीं बर्दाश्त कर पाती। इसके बाद देखिए बिलाल रदी अल्लाह अनु को, आपको पता है ना ये उमैया बिन कल्ब के गुलाम थे और बहुत शुरू में इस्लाम लेकर आ गए थे। उमैया बिन कल्ब भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसका गुलाम इस्लाम कबूल कर ले। तो क्या हुआ, बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को इस्लाम से वो दूर करने के लिए कई तरह की सजाएं देता, उसको उनको अजियतें पहुंचाया करता था। बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की गर्दन में रस्सी डालकर उन्हें महल्ले के यानी जो जो पूरे महल्ले के जो बहुत ओबाश किस्म के लड़के होते ना, जो बिल्कुल खराब किस्म के जो लड़के होते उनके हवाले करता और वो उन्हें मक्का के पहाड़ों की वादियों में घसीटते फिरते। आप सोचिए कि एक होता है कि यूं ही घसीटना, फिर गर्दन में जिसे कहा जाए एक तरह से रस्सी डालकर खींचना, इमेजिनेशन में लाइए, जिससे जिल्लत और ख्वारी के अलावा उनका जिस्म भी दुखने लगता था और गले में रस्सी का निशान पड़ जाता था। खुद उमैया उन्हें रस्सी से बांधकर डंडे से मारा करता था, कभी चिलचिलाती धूप में बिठाए रखता था और दिन भर खाने पीने को कुछ ना देता था। और जब उन बातों से उनको गुस्सा ठंडा ना होता तो आपको फिर क्या करता, बहुत तेज धूप में दोपहर में नंगे बदन तपते हुए पत्थरों पर लिटा देता और सीने पर भारी पत्थर रख देता, फिर कहता अल्लाह की कसम तू इसी तरह पड़ा रहेगा यहाँ तक कि तू मर जाए या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर करे। लेकिन आप सहाबा देखिए, ये ईमान इतनी खूबसूरत चीज है, ये ईमान इतना खूबसूरत है जो इंसान को पीछे हटने नहीं देता। आज मैं और आप जो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारा ईमान। आप देखिए इनको नहीं सताया गया लेकिन ईमान का मजा बहुत अजीब किस्म का होता है, हम इमेजिन कर ही नहीं सकते। हम में से हर एक का ईमान का लेवल फर्क है, कोई फौरन समीना बात आना कहता है, कुछ डिले करते हैं, कुछ अल्लाह से रोते हैं, तो कहने का मकसद है लेकिन ईमान का मजा इतना डिफरेंट होता है कि आप ये तकलीफ बर्दाश्त करते हैं मगर जबान से अहद अहद की पुकार है, अल्लाह को पुकार है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसी तरह अबू फकीह सफवान बिन उमैया के गुलाम थे, बिलाल रदी अल्लाह अनु के साथ इस्लाम लाए। उमैया को जब ये मालूम हुआ तो उनके पांव में रस्सी बांधी और लोगों से कहा इसे घसीटते हुए ले जाएं और तपती हुई जमीन पर लिटाएं। एक गुबरेला राह में जा रहा था, उमैया ने इनसे कहा यही तो तेरा खुदा नहीं, उन्होंने जवाब दिया मेरा तुम्हारा दोनों का खुदा अल्लाह ताला है। इस पर उमैया ने जोर से उसका गला घोटा कि लोग समझे कि शायद इनका दम ही निकल गया और एक दफा उनके सीने पर इतना भारी पत्थर रख दिया कि इनकी जबान बाहर निकल आई।
हम में से कौन है जो दीन के रास्ते में इतना सताया गया? ये है इस्तेकामत के पहाड़। खुबाब बिन अरद रदी अल्लाहु अन्हु के कबीला खुजा की एक औरत उम्मे अनवार के गुलाम थे। मुशरिकीन इनके सर के बाल लोचते, सख्ती से गर्दन मरोड़ते। एक दफा क्या हुआ, दहकते कोयलों पर आपको चित लिटा दिया गया। एक शख्स छाती पर पांव रखे रहा ताकि करवट ना बदल सके, यहाँ तक कि जो बैग के नीचे कोयले ठंडे पड़ गए। कब्बाब रदी अल्लाहु अनु ने मुद्दत के बाद उमर रदी अल्लाहु अनु के सामने अपनी पीठ खोल कर दिखाई, जो बर्स के दाग की तरह सफेद हो गई थी, जो व्हाइट वाला जो होता है जिससे फेसेस पे व्हाइट सी बीमारी हो जाती है। आप लुहार थे और तलवारें भी बनाते थे, बहुत से लोगों के जिम्मे उनकी रकम बाकी थी। रकम मांगते तो जवाब मिलता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंकार करो तो रकम मिलेगी, वरना एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आस बिन वाइल साहमी ने आपसे एक तलवार बनाई थी, रकम का मुतालबा करने पर यही जवाब दिया। खबाब रदी अल्लाहु अन्हु कहने लगे कि अगर आज नहीं देते तो यौमुल हिसाब को देना पड़ेगा। आप देखे वो कितना बकबकता, कहने लगा अच्छा फिर उसी दिन ही रकम ले लेना। इतनी जिसे कहा जाए तकब्बुर, इतनी जाहिलियत, कैसे कह रहा कि फिर ठीक है उसी दिन ले लेना। हम इसे कौन है, उस दिन तो करेंसी ये हमारे डॉलर्स ये हमारे रुपए तो नहीं है, उस दिन तो आमाल करेंसी है। फिर जाके खुलासी है वरना कैसे होगा। इसी तरह देखिए हमारे पास उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु, बहुत ही इज्जत वाले, बहुत ही जाहो जलाल वाले थे। इस्लाम लाए उनके चचा ने उन्हें बांध कर मारा। उस्मान रदी अल्लाहु अनु जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के शौहर जिसे कहा जाए शौहर थे, अल्लाह अकबर। इसके अलावा देखे जुबैर बिन अवाम जो 5वें नंबर पर इस्लाम लाए हैं, इनके चचा इनको चटाई में लपेट कर इनकी नाक में धुआं देते थे, अल्लाह अकबर। मुसा बिन उमैर इस्लाम लाए तो इनकी माँ ने इनका दाना पानी इनका फूड बंद कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। हमें से तो कोई ऐसा नहीं, आप अल्लाह के दीन का प्रचार करती हैं, आपको कह दिया जाए कि बस ठीक है तुम कोई और घर ले लो। अब्दुल्ला बिन मसूद को देखिए, बिल्कुल दुबले पतले सूखे से पतली पतली टांगे। क्या जब इस्लाम लाए तो आपने इरादा किया मैं काबे में जाकर कुरान करीम की बुलंद आवाज से तलावत करूंगा, लोगों ने मना किया। इतने हालात खराब है जाहिर बात है, लेकिन आप बाज ना आए और मुकामे इब्राहिम के पास खड़े होकर बुलंद आवाज से सूरह रहमान की तलावत शुरू कर दे। कुफार हर तरफ से आप पर बल पड़े कूद पड़े, आपके मुंह पर तमाचे मारना शुरू कर दे एक के बाद एक, आप मार खाते रहे लेकिन जहां तक पढ़ना चाहते थे पढ़कर दम ले। कितनी नदामत है, कितनी शर्मिंदगी है, कि कौन सा महीना सबर का महीना। हम तो छोटी छोटी बातों पे इम्पेशेंट होते हैं, जो हमें अपने बच्चों की पसंद नहीं आती, जो हमें अपने शौहरों की पसंद नहीं आती, अपने इन लॉज की पसंद नहीं आती, अपने भाई बहनों की पसंद नहीं आती। ये तो इस्लाम की खातिर सारे दुख उठा रहे। इस्लाम के रास्ते में मेरा नहीं ख्याल है हमने से अभी तक किसी को सताया गया हो, इल्ला माशाल्लाह। इस तरह की तकालीफ जो इनको आई है, हम तो छोटी सी हस्बैंड की बात कहते हैं, हम कहते हैं कल से हम नहीं जा रहे, ठीक है अलविदा ही नहीं जा रहे या किसी भी जगह नहीं जा रहे। क्यों इतना वो होते हैं? सीरा को मुताला करेंगे तो जब पता चलेगा ये है इस्तेकामत के पहाड़। अल्लाह सुबहाना बताला मुझे और आपको इस्तेकामत का पहाड़ बना दे और मुझे और आपको बेहतरीन सबर दे दे, और आज की आयत भी इतनी खूबसूरत है कि अल्लाह ताला से दुआ करूंगी अल्लाह ताला इसका हक अदा करने वाला बना दे, वक्त में बरकत दे दे। दुआ भी है अगर टाइम ऊपर होगा पहले मुझे आप माफ कर दीजिएगा प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ रमजान का महीना अगर आपकी कमिटमेंट है आप इंशाल्लाह चले जाइएगा, लेकिन डिले थोड़ा सा होगा, लेकिन आपसे पहले मैं माजरत पाऊं कि आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबकी दुआ जिसे कहा जाए खताओं से दरगुजर करे, और जो वक्त आप एक्स्ट्रा देंगे अल्लाह ताला इसके बदले आपको इबादतुर रहमान बना दे, आपको जन्नत के बालाखानी नसीब कर दे, अल्लाह ताला की रजामंदी दे दे, उसका दीदार नसीब कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाएंगे इबादतुर रहमान लजीना, इबादुल रहमान की आखिरी सिफत। इससे पहले जो हमने सिफात पढ़ी बस जल्दी जल्दी बताएगा सिस्टर नादिया कौन सी? माशाल्लाह ये सारी सक्सेसफुल सिफात आपको सामने नजर आएंगी। माशाल्लाह एक सिस्टर ने वॉलंटियर करके अल्लाह की खातिर ये बनाया है बस इंशाल्लाह। तो सबसे पहले क्या था, वॉक विद ईज के साथ चलते हैं यानी आसानी के साथ, और ये आसानी सिर्फ वॉक में नहीं है एवरी मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी बताइए जी सिस्टर आफिया पीछे से। सलाम माशाल्लाह ठीक है जाहिल हूँ।
जाहिलों से, जब ये जिसे कहा जाए बात करते हैं, ये जाहिल वो नहीं जो इलिटरेट, ये जाहिल इल्म वाले हैं, लेकिन जब वो बहस में आते हैं तो वो उनसे बहस नहीं करते, कालू सलामा कह के ठीक है नेक्स्ट इंशाल्लाह सिस्टर फहमीता। सुभानअल्लाह वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सुभानअल्लाह कितने लोग हैं जो क़याम कर रहे हैं, माशाल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह। जी सिस्टर साइमा। سبحان الله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. جي سيستر في حساب کا نام نہیں یاد آ رہا. جی الماس. جی سيستر جی فضول خرچی نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ کمبینیشن میں کیا ہے جی سيستر رخسانہ؟ بخل نہیں کرتے، درمیانی راستے. ٹھیک ہے اس کے بعد کوالٹی کیا ہے جی سيستر رابعہ؟ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے. جی اس کے ساتھ پیچھے سے بینا. جی انشاءاللہ نہ حق قتل نہیں کرتے. جی سسٹر مریم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور بتائیے. جی سسٹر ثانیہ زنا نہیں کرتے. سسٹر اور کسی کو بتائیں. جی سسٹر مرینہ. جی جی ٹھیک ہے گناہوں سے اور ایمان لا کر صالح کام کرتے. جی اور بتائیے پیچھے سے کون ہے؟ سسٹر انیسہ. جی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور بتائیے لاسٹ. جی سسٹر افشاں. سمم بکمیاں و اکما و آیت نکل گئی، یعنی اندھے بہرے ہو کر نہیں جسے کہا جا کرتے ہیں. جی تو اب لاسٹ میں الحمد للہ یہ ہے نا ہمارا پوائنٹ. تو یہ وہ آیات ہیں، یہ جو لوگ ہیں وہ اسپیشل ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں. اور یہ آیا، یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ کسی نبی نے نہیں بتایا، نہ کسی فرشتے نے. یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے کہ یہ ہے عباد الرحمن. اللہ سبحانہ وتعالی، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اس جسے کہا جائے اس کی اینڈنگ پر ہم سب کو، ہماری نسلوں کو عباد الرحمن بنا دے. اب آخر میں دیکھیے کیا دعا کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں میں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور ہم کو متقی کا امام بنا دے، ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا دے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عباد الرحمن کو اپنی اولاد کی فکر ہے اس بات پر کہ کیسے وہ اپنی اولاد کا ایمان کو مضبوط کریں، کیسے ان کو متقی کا امام بنائیں. رحمان کے بندے اس حد تک صاحب بصیرت ہیں، اس حد تک ذمہ دار لوگ ہیں، رسپانسبل ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی، اپنی خاندان، پورے معاشرے کے اصلاح کے لیے دعا گو ہیں. وہ چاہتے نہیں کہ سب ان کا گھر متقین کا امام بنے، وہ چاہتے ہیں ان کی نسل متقین کے امام کی حیثیت سے دنیا میں سامنے آئیں. آپ دیکھیں اس سے پہلے کہ جو بھی آیات آپ نے دیکھی اس میں عباد الرحمن کی ان کوالٹیز کا ذکر تھا کہ جو وہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جیسے زنا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، اسی طرح جیسے کہا جائے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اور اس سے پہلے جو شروع میں آپ نے آیات پڑھی تھی ان میں ان کاموں کا ذکر تھا کہ جو وہ کرتے ہیں، رائٹ. اور اس میں کیا کیا کام تھے، جیسے آپ چلنے کے حوالے سے تھا، بحث نہیں کرتے ہے نا، یعنی قالو سلامہ کہہ کے گزر جاتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کوالٹیز کو ذکر کیا کہ جو وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو، اور پھر ان ساری یعنی اس کے ساتھ دعا کو بھی لیا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ یہ جو چمٹ جانے والا ہے یہ ہماری جان کو لاگو ہونے والا ہے. اس کے بعد وہ کاموں کی لسٹ آ گئی جو کہ وہ نہیں کرتے. حالانکہ اب جو دعا ہے یہ دعا پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے؟ یہ دعا کس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ پازیٹو ہے نا، تو یہ دعا پھر بعد میں کیوں لے کر آئی؟ یعنی اس دعا کو جو پازیٹیو کام تھے، جو کرنے کے کام تھے، اس وقت اس کو کیوں نہیں رکھا، اس کو بعد میں کیوں لے کر آئے؟ اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عباد الرحمن کی جو دونوں کوالٹیز ہیں، جو وہ کرتے ہیں اور جو وہ نہیں کرتے، اور اس کے بعد یہ دعا پازیٹیو لائی ہے. کیوں لائی گئی ہے؟ تاکہ
अपनी उन क्वालिटीज से जो कि करने के काम है और जो नहीं के करने के काम है, उन दोनों से लोगों को फायदा दे सके। उन ये ऐसा ना हो कि जो करने के काम है उस पर मैं और आप फोकस करें और जो नहीं करने के काम है उसको देखे भी नहीं, क्योंकि मुत्तकी कौन होता है? जो करने के काम है अल्लाह ताला की अता से वो करता जाता है, और जो अल्लाह की मनहियात है, अल्लाह ताला ने जिन कामों से मना किया है वो उससे रुकता भी जाता है। ऐसा तो नहीं कि आप नेकी करें साथ डिलीट करते जाए गुनाह करके, ऐसा तो नहीं है ना। इसीलिए बाद में ये दुआएं, ताकि इन दोनों क्वालिटीज को इंसान अच्छी तरह से जिसे कहा जाए अपने अंदर एब्जॉर्ब करे और फिर दोनों क्वालिटीज से लोगों को फायदा दे। एक तरफ अपनी बीवी बच्चों को नेक बनाने की, अपनी बीवी उनके बीवी बच्चे नेक बन जाए, और दूसरी तरफ अपनी इस लीडरशिप क्वालिटी से, इमामत से, इस तकवे से दूसरों को फायदा दे। अब देखिए, जब कोई नेक शख्स होता है ना और वो दूसरों को फायदा देता है ना, तो दूसरे चाहते हैं कि वो उससे फायदा उठाए। तो लिहाजा ये दुआ, इस दुआ के अंदर इंतहाई गहरा ईमानी शोर दिया गया है। हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि उसके साथी ज्यादा हो, जो उसके साथ अल्लाह ताला की तरफ चले, और सबसे गहरा ताल्लुक जिस चीज को आप महसूस करते हैं वो एक वालदेन का औलाद के साथ होता है ना, उसकी बीवी के साथ, उसके वालदेन के साथ। उसका दिल चाहता है कि जिस तरीके पर वो चल रहा है, यानी जिस तरह अल्लाह ने उसको हिदायत दी सुभान व तआला, इसी तरह अल्लाह उसकी औलाद को भी हिदायत दे दे, उसके घर वालों को भी हिदायत दे दे, वो भी जिसे कहा जाए उसके रास्ते के मुताबिक चले, उसकी औलाद भी अताअत करने लगे। तो ये फितरी सी ख्वाहिश थी जो इबादुल रहमान के दिल में थी, और इस फितरी ख्वाहिश को अल्लाह ताला ने इस दुआ के अंदर रख दिया। रहमान के बंदे क्या चाहते हैं? अपनी औलाद, अपनी अजवाज की आंखों की ठंडक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अल्लाह ताला से डरने वाले बन जाएं, वो अल्लाह ताला के मती फरमान बन जाएं, वो नेकी और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इसी तरह अल्लाह के प्यारे बंदे बनने की कोशिश करें जैसा कि हम कर रहे हैं, जैसा कि ईमान वाले कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुआ तो बाद में लाई गई, लेकिन आप देखिए, वो अल्लाह ताला से अपनी बीवी और अपनी जिसे कहा जाए बच्चों के लिए आंखों की ठंडक का सवाल करें, तो ये कैसे होता है कि बच्चे और बीवी कैसे आंखों की ठंडक बनते हैं, सवाल है ना। तो देखिए, यहाँ पे उलमा कहते हैं, यहाँ पे उर्रा का वर्ड आया है। उर्रा का वर्ड आया ना, वो किससे है? आराज से। इसका मतलब है वो चीज जो इंसान को सुकून दे दे, वो चीज जो इंसान को पीस दे दे, वो चीज जो इंसान को कंफर्ट दे दे, इंसान एकदम रेस्ट में आ जाए। तो क्या है ना, इस दुआ में वो अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि हमें हमें ऐसे बीवी और बच्चे दे जिससे हमारी आंखों को सुकून मिले, और फिर क्या हो, जिससे हमारी आंखों को सुकून मिले और फिर हम उनसे आगे ना देखें, यानी हमारी आंखें हमारी औलाद हमारी बीवी पर रुक जाए। बस होता है ना, हम जब दुनिया में होते हैं हम किसी की औलाद को देखते हैं कि बहुत स्टैब्लिश है, बहुत तरक्की कर रही है, बहुत जिसे कहा जाए फ्लोरिश कर रही है, तो हमारी निगाहें उठती हैं, हम देखते हैं किसी की बीवी इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी स्मार्ट है। तो इबादुल रहमान कहते हैं कि हमें इतना सुकून, ऐसा कंफर्ट, ऐसी जिसे कहा जाए हार्ट के अंदर पीस दे, कि बस हमारी निगाहें उन पर स्थिर हो जाए, उनको देख के बस हमें हमारे दिल में सुकून आए, हमारे दिल में इत्मीनान आए, वो भी हमारे नेकी के काम में जिसे कहा जाए हमारा साथ दें, वो सारे नेकी के काम करें जो अल्लाह ताला की अल्लाह ताला का हक है, जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, सदका खैरात करना, और साथ साथ लोगों का भी हक देना। तो जब वो ये काम करते हैं तो इबादुल रहमान की आंखें उससे ठंडी होती हैं, फिर उनकी निगाहें किसी और तरफ नहीं होती, वो सिर्फ अपनी औलाद और अपनी बीवी की तरफ अपनी निगाह को रखते हैं। इस तरह से वो अपने घर को पुरसुकून बनाते हैं, अपने अपने घर को जिसे कहा जाए पीस का जरिया बनाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे पहले बीवी बच्चों के लिए दुआ की गई और बाद में दुआ की जा रही है वजाइना लिल मुत्तकीना इमाम, अपने आप को, क्योंकि एक मर्द अपने घर में कवाम है, तो अपने आप को और साथ चाहने की अपनी बीवी बच्चों को भी जिसे कहा जाए मुत्तकीन का इमाम बनाए। एक बीवी अपने घर में शोहर के बाद अपने बच्चों की टेक केयर करती, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक राई है, शेफर्ड है, उससे उसके फ्लॉक के बारे में, उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो इमेजिनेशन में लाए कि अब ये दुआ कह रहे कि मुत्तकीन का इमाम बनाना, ऐसा क्यों है कि पहले औलाद की ठंडक मानी मांगी, फिर बीवी की ठंडक मांगी, और फिर साथ में अपने लिए मुत्तकीन का होने का इमामत के लिए मांगा। तो याद रखिए,
बहुत अहम है। एक मुत्तकी इमाम बनने के लिए हमको पुरसुकून होना बहुत जरूरी है। एक मुत्तकी लीडर होने के लिए सुकून बहुत जरूरी है। अगर सुकून नहीं होगा घर में तो ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो घर कुशादा होने के बाद बसी होने के बावजूद तंग हो जाते हैं, जिससे वो निकी का काम जो आप करना चाहते हैं ना वो आप नहीं कर सकते, और आप फिर अपनी जो टैलेंट है, अपनी जो सलाहियत है, अपनी जो क्वालिटीज अल्लाह ने आपको दी एज ए लीडरशिप की हैसियत से वो आप लोगों को नहीं दे सकते। तो घर को पुरसकून होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने पहले किसके लिए दुआ मांगी? अपने घर वालों के लिए। और ये भी हो सकता है कि पहले दुआ अपनी बीवी बच्चों की आंखों की ठंडक और फिर खुद के लिए मुत्तकीन इमाम की हैसियत से, कि ताकि लोगों को मेरा पैगाम देना आसान हो जाए, ताकि मैं पूरी यकसुई के साथ, पूरी फोकस के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, जिसने कहा जाए, पैगाम को लोगों तक देख सकूं। आपको पता है कि दुनिया एक मता है, एक जिसे कहा जाए ठहरने की जगह है, एक जिसे कहा जाए रहने की जगह है, फायदा उठाने की जगह, और इस दुनिया की बेहतरीन फायदा उठाने वाली चीज नेक टीवी है। यहाँ पे रुक के मैं और आप सोचे, क्या मैं और आप नेक बीवी हैं? अगर हमारे शौहर हयात है तो क्या हम उनके लिए नेक बीवी हैं? नहीं है तो वहां पे स्टॉल पे जाके देखेगा, नेक बीवी की सिफात सिस्टर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बना के रखी है। अब उन नेक बीवी की सिफात को देखेगा क्या क्या क्वालिटीज है, और फिर अपने आप को इमेजिनेशन मिलाए। अभी तो टाइम नहीं है ना, तो इनशाला वहां पे स्टॉल वहां पे जो लगी हुई इनशाला, तो वहां पे नेक बीवी की सिफात है। तो एक एक तरह सोचिए कि बेहतरीन अल्लाह ताला ने इसको मता क्या फायदा उठाने की चीज, राइचियस वाइफ। मैं और आप राइचियस वाइफ हैं? मैं और आप अपने हस्बैंड के लिए कंफर्ट का जरिया है? तो नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह उनसे बात को देखे, रमजान का महीना, कोई मसला नहीं, इस्लाह कर सकते हैं, अल्लाह ताला से माफी मांग सकते हैं अपने गुनाहों के लिए। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक दफा क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसे कहा जाए, एक दफा सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें कैसा माल जमा करना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जवाब दिया जो माल से ताल्लुक नहीं रखता था। सहाबा माल के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जवाब जो था माल से ताल्लुक नहीं रखता था, और फरमाया, वो दिल जो शुक्र अदा करता हो, ये माल है, ये तो कल जिसे कहा जाए नेकियां जो कल आपके मीजान में तोली जाएंगी, और वो जबान जो अल्लाह को याद करती है, और वो नेक बीवी जो नेकी के कामों में मददगार होती है। मैं और आप देख लें कितना, अगर आप दीन पर हैं तो शोहर आपके मददगार है, या अगर आपके शोहर दीन पर, आप उनकी मददगार हैं कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि तुम्हारे पास अगर किसी ऐसे शख्स का रिश्ता आए जिसके ईमान और इसके अखलाक से तुम मुतासिर हो, तो इस रिश्ते को कबूल करना चाहिए। अक्सर होती है, आज तो बच्चियां शादी नहीं करना चाहती हैं, ये दिले पे दिले, करना भी चाहती हैं तो वैसे रिश्ते ही नहीं आते जो अखलाक और किरदार के, ईमान के आला दर्जों पर हो। तो इससे क्या पता बात पता चलती है, ये जो जौज का वर्ड है ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, वाइस वर्सा स्पाउस के लिए आता है, यानी मर्द के लिए भी आएगा और औरत के लिए भी आता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में देखिए, दावत देने, जब दीन की दावत थी, यानी इतनी ज्यादा कामयाब इसलिए थी कि जहाँ किसी का शोहर मुसलमान होता तो साथ साथ उसकी बीवी भी मुसलमान होती, सेम वाइस वर्सा, जहाँ बीवी मुसलमान होती तो साथ साथ जिसे कहा जाए उसका शोहर भी इस्लाम कबूल कर लेता। इस तरह वो एक दूसरे के लिए क्या होते, दीन के काम में एक दूसरे के लिए कंफर्ट, एक दूसरे के लिए मददगार साबित होते। अब देखिए, जब पहली वही नाजिल हुई है ना, एक बिस्मि रब्बी कल लजी खलक, तो क्या हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने घबराए हुए थे, कितनी परेशानी के आलम में जिसे कहा जाए घर में आते, और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से कहते जमीलूनी जमीलूनी, और आप उनको कैसे कंफर्ट देती हैं, आप कैसे उनकी मदद करती हैं, इस्लाम लाने के बाद सारा माल आपका किस चीज में खर्च हुआ, दीन के साथ में, आपको रिलैक्स करती हैं, आपको काम डाउन करती हैं, और आपको ऐसी पॉजिटिव स्ट्रोक देती हैं कि जिसके बाद अल्लाह के नबी पुरसुकून हो जाते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का खतरा था, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो शादी की जो एक बुनियाद है, जो एक रूट है, वो ज्यादातर लव पर है, ज्यादातर अफेक्शन पर है, ज्यादातर लस्ट पे बनती है।
बुनियादी सही नहीं कि जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। इसी वजह से देखिए ना, जब वो लस्ट खत्म होती है, जब वो अफेक्शन खत्म होती है, वो जो मोहब्बत है कुछ देर के लिए बड़ा प्रीटी बड़ा डिसेंट लगता है, वो कुछ दिन के बाद जब खत्म हो जाता है, तो फिर ना आप एक दूसरे की खैर ख्वाही करते हैं, ना एक दूसरे के वेल विशर होते हैं, और ना नेकी के काम में एक दूसरे का साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हमने जो वजह क्या थी, रीजन क्या था, बुनियाद रूट सही नहीं थे। इसी वजह से देखिए कि जब एक दूसरे के साथ की बारी आ रही है, तो एक एक जिसे कहा जब पैथ पे चल रहा है, दूसरा दूसरे पैथ पे चल रहा है। अक्सर होता है कि मैंने कितने लोगों को सुना है कि मुसलमान औरतें जब एक किसी रीवर्ट से शादी करती है, रीवर्ट हाई रैंक पे चला जाता है दीन के, और वो उसको समझ ही नहीं आता मैं तो बस पसंद की शादी की, और वो वहीं से जिसे कहा था उसको डिवोर्स देती है। कितने ऐसे केसेस होते हैं। ईमान है जिसके अंदर रच जाए, वो हो नहीं सकता कि इस किताब को, इस रस्सी को छोड़ दे। तो वही बात है कि जब लस्ट की बुनियाद पर आपकी शादी होती है ना, और अफेक्शन की बुनियाद पर, तो वो ज्यादा अरसा चलती भी नहीं है। फिर ज्यादा अरसा एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प भी नहीं करते। तो असल बात ये है, बुनियाद ठीक नहीं। और आपको याद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? औरतों से चार चीजों की बुनियाद पर शादी की जाती है, और उनमें से सबसे ज्यादा किसको तरजीह दो? दीन को तरजीह दो। अल्लाह करे मैं और आप अपने बच्चों को दीन की बुनियाद पर, अपने बच्चों को जिसे कहा जाए उनके स्पाउसेस को सिलेक्ट करें। इसका अब सवाल ये पैदा हो रहा था, सब परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या बात है, कि यानी मैंने जैसे आपको बताया ना कि मुत्तकीन का इमामा की जो बात है वो बाद में की गई, पहले औलाद की ठंडक और उसकी बात की गई। अब सबके जहन में यार होगा, हम तो क्लासेस लेते हैं, है ना, हम तो क्लासेस भी ले रहे हैं, हमारा दिल अल्लाह की इज्जत से हमारे दिल पर आयात असर कर रही है और हमें हमारे अंदर हलचल आती है। ठीक है, हर एक का ईमान अलग अलग है, लेकिन क्या मसला है कि हमारे तो शौहर ही नहीं हमारी बात सुनते, हमारे शौहर तो एक पाथ पे चल रहे हैं, हम ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, यहाँ भी सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर एक हलचल मची है और हमारा ईमान हमें बेचैन कर रहा है, लेकिन हमारे जो शौहर है वो जिसे कहा जाए मतलब एक अलग ही उनका जिसे कहा जाए स्टेटस है, या उनको इतना इस काम को पसंद नहीं करते, तो क्या मतलब है? क्या फिर दीन का काम ही ना करें, छोड़ दे, अल्लाह की रस्सी को ऐसे ही रहने दे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म का वरसा छोड़ के गए थे, आज वरसे के लिए तो सारी लड़ाई होती है कि ये मुझे मिल जाए, ये जायदाद मुझे मिल जाए, अल्लाह के नबी का वरसा तो ओपन है, कौन है इसको लेने वाला, कौन लेने वाला? तो कहने का मकसद सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप देख रहे हैं कि आप तो दीन की तरफ हैं लेकिन शोहर दीन की तरफ नहीं है, इसका मतलब है घर तो टूटा हुआ है, मुराद है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे इंसान नहीं है या अच्छा काम नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनके घर टूटे हुए, जो एक यानी मियाँ बीवी दो अलग पैथ पे चल रहे हैं, याद रखिए हमारे पास अंबिया की मिसालें मौजूद हैं, इसके बावजूद उन्होंने दीन का काम किया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को देख लीजिए, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को देख लीजिए, वो एक पाथ पर है। क्या नूह अलैहिस्सलाम ने दीन का काम छोड़ दिया? 950 साल तक तबलीग किया। मैं और आप कैसे कह सकते हैं मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, मैं तो अब स्कार्फ ही नहीं पहन सकती हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है तो मैं अब जिसे काजा नहीं आ सकती। इमेजिनेशन में लाए, लूत नूह अलैहिस्सलाम ने काम छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। लूत अलैहिस्सलाम ने दीन का काम छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। तो कहने का मकसद है मैं और आप कैसे अल्लाह के काम को छोड़ दें, इस दीन को कैसे बर्बाद कर दें? इस तरह से आप देखिए वाइस वर्सा भी, फिरौन को देखिए, आसिया अलैहिस्सलाम को देखिए, आसिया अलैहिस्सलाम इस्लाम ईमान ले आई मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर, लेकिन फिरौन नहीं लाया। तो क्या उन्होंने क्या ईमान से खैर बात कह दिया कि नहीं मैं कैसे चलूं घर में? मीख यहाँ लटकाता था, जैसे कहा जाए जो नेल होती है उनके हाथों में, इस तरह से स्टिक जैसे होते ना किसी चीज को हैमर से मारना कि तुम छोड़ दो, इतनी मोहब्बत करता था फिरौन आसिया अलैहिस्सलाम से। लेकिन ईमान जिसके दिल में रच जाए, जिसके दिल में बस जाए, उसको इससे ज्यादा महबूब कोई चीज हो नहीं सकती है। तो आप देखिए, अब हमारे पास कोई रुख्सत तो नहीं है हम ये कह दें कि मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते, फिर भी दीन का काम चल रहा है, वो तो नहीं रुका, फिर भी इस्लाम पर स्टेडफास्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसको आप ये ना गलत समझे कि आज हमारे एक शोहर हमारे जैसे काजा दीन के काम में मामून साबित नहीं। हाँ ठीक है, अगर शोहर मददगार होता है, बच्चे मददगार होते हैं, तो वो काम और आसानी से हो जाता है, उस काम में आसानी बहुत हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम हो नहीं सकता, मुश्किल होता है जब बीवी और जैसे कहा जाए शौहर या बच्चे अगर दीन पर नहीं होते। तो एक और वजह भी हो सकती है, एक और वजह कहते हैं कि
कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मुत्तकीन का जो इमाम है उसकी बात बाद में की गई, और पहले जिसे कहा जाए औला यानी औलाद की और अजवाज की जिसे कहा जाए बात की गई कि इनको आंखों की ठंडक पना, इसकी वजह एक और बताते हैं, और वो वजह क्या है, बासोकत क्या होता है कि आप दीन की बात बताते हैं लोगों को, अब वो आपकी बात नहीं सुनते, स्पेशली आपके घर वाले। अब आप जो भी सीखते हैं सुनते हैं अब अपनी बातों को घर में जाके बताते हैं, क्या जो भी आप अपने घर में पढ़ते पढ़ाते हैं घर वालों को शेयर करते हैं तो क्या होता है, घर वाले आपकी बात नहीं मानते। आप कहते हैं ना घर वालों को बताना सबसे मुश्किल काम होता है, हो सकता है मैं आप में से 10 लोगों को तक पैगाम कन्वे कर जाऊं, हो सकता है मेरे लिए अपने घर वालों को बताना इंतहाई मुश्किल हो जाए। तो कहने का मकसद है ऐसे मौके पर क्या होता है ना कि आपको पता है ये मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबुवत के लिए चुना, उसके बाद प्रॉफेटहुड के लिए चुना, तो उसके बाद क्या हुआ था, आपने अपने घर वालों को बुलाकर इस्लाम की दावत दी, और तो जब आप लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते तो जो कुरैश जो आपका कबीला था जब वो आपकी बात नहीं मानते, आपके चचा आपके सगे चचा आपकी बात नहीं मान रहा, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे तो अपने घर वाले दीन पर नहीं, तो तुम हमें कैसे दावत दे रहे। तो कहने का मकसद है ऐसे मौके पर भी क्या दावत में लोग इसको फितना समझ कर दीन से दूर हो जाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे मुत्तकीन का इमाम बनाना, मुझे मुत्तकीन का इमाम बनाना, ऐसा ना हो कि ये फितना इतना बढ़ जाए कि ठीक है मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं तो लेकिन मैं जिन दिन को जैसे कहा जा बता रहा हूँ तो वो मेरी बात माने, वो बात मेरी सुने, और हम देखते हैं कि ये मुश्किलात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आए, इसीलिए वो कहते थे कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को मेरी बीवी को आंखों की ठंडक बनाना और हमें मुत्तकीन का इमाम बनाना, ठीक है ना। इसके बाद ये हमें फोकस करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगते हैं, हम चाहते हैं मुसलमानों के इमाम बनना या मुत्तकीन के इमाम बनना, खास मुत्तकीन के इमाम बनने की अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। सोचिए अगर मुत्तकीन के लफ्ज को इमाम के लफ्ज को देखें, लीडर के लफ्ज को देखें, तो लीडर के लिए जो लफ्ज बिल्कुल एग्जैक्ट उसके अंदर फिट आता है वो है इमाम। इमाम का मतलब होता है एक तरह से जैसे कहते हैं सांचा, एक टेम्पलेट जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे जिसका किरदार बहुत अच्छा हो, जिसका अखलाक बहुत अच्छा हो, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती हो। आपको याद है आप लोग ने सेकंड पारे में जो बुखारी के स्टूडेंट है ना, आपने तालूत और उसका किस्सा पढ़ा था ना, अल्लाह ताला ने उसको फिल जिस्मी वल, इस तरह की आयत आती है ना कि अल्लाह ताला ने उसको जिस्म में और उसमें ज्यादा कुव्वत दी है, अल्लाह ताला ने उसको अपनी लीडरशिप के लिए चुना है। तो कहने का मकसद है कि जो एक इमाम होता है वो बेहतरीन इखलाक बेहतरीन किरदार बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी क्वालिटी के साथ अल्लाह ताला उसको चूज करते हैं, और ऐसे लोगों को फिर क्या होता है दूसरे लोग कॉपी करते हैं फॉलो करते हैं। आज भी आप देखिए जो मस्जिद का इमाम होता है जब वो रुकू करता है तो हम भी रुकू करते हैं, जब वो सिजदा करता है तो हम भी सिजदा करते हैं, क्यों, क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं, वो इमाम है, एज अ सांचा है, एज अ दाई है जिसको मैं और आप फॉलो करते हैं। तो अगर हम गौर करें तो इस दुआ में लीडरशिप यानी ऐसी इमामत मांगी जा रही है जिसको आम दुनिया वाले ये जो आम लोग हैं वो कॉपी करें, वो उसको फॉलो करें, इसलिए कि आप देखें कभी जो इंसान होता है खुद तो मुत्तकी होता है लेकिन उसके घर वाले फाजर होते हैं, खुद तो मुत्तकी होता है लेकिन उसके घर वाले अल्लाह की नाफरमानी करने वाले होते हैं। आप देखें नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और उनकी बीवी दोनों अल्लाह के नाफरमान थे, खुद मुत्तकी थे नूह अलैहिस्सलाम और उनके घर वाले अपनी बीवी अपना बेटा वो नहीं बच सका, क्यों, क्योंकि वो अल्लाह का नाफरमान था। तो कभी कभी इंसान मुत्तकी का इमाम मुत्तकी खुद होता है लेकिन बाज़ अवक़ात फाजरों का इमाम बन जाता है। तो यहाँ पे कहने का मकसद है अगर याद रखिए यहाँ पे जो बात बताई जा रही है कि दोनों ही अल्लाह के नाफरमान थे, तो बीवी या औलाद अगर नेक नहीं होती है तो आदमी का घर जहन्नुम बन जाता है, याद रखे जन्म जहन्नुम का गढ़ा बन जाता है। लेकिन अगर यही फैमिली यानी जो आपकी बीवी है या आप या आपके शोहर है या जिसे कहा जाए बच्चे या नेक और ताबेदार हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत और गुर्बत भी इंसान को महसूस नहीं होती, फिर इंसान को कोई पावर्टी कोई जिसे कहा जाए फकीरी का एहसास भी नहीं होता। एक इंसान की सबसे बड़ी खुशबख्ती सबसे बड़ी जिसे कहा जाए खुशनसीबी क्या है कि वो खुद भी मुत्तकी हो और मुत्तकियों का इमाम भी बन जाए, और ये एक बहुत बड़ी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ। रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व जुर्रियातिना कुर्रता
عيون وجعلنا للمتقين إماما. اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں ایسی اولاد عطا فرما جسے دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمارے دل مسرور ہوں. ہمیں متقی کی امامت کے منصب پر فائز فرما، ہم تقوی اور اللہ کی اطاعت میں سب سے آگے بڑھ جائیں اور نیکی میں سب سے آگے نکل جائیں، خود ہی نیک نہ ہو بلکہ نیک لوگوں کے پیشوا بن جائیں، لیڈر بن جائیں اور ہماری بدولت دنیا میں نیکی پھیلے. اللہم آمین. آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اگر آپ ان کی آیات کو دیکھیں گے عباد الرحمن کی، تو کنٹینیو والذین والذین کی تکرار ہے ایک کے بعد ایک. اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے نا، واو 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 کا مطلب اور یہ، لیکن مسلسل والذین والذین کی تکرار ہے، یعنی کنٹینیو اس کی ریپیٹیشن ہے. کیوں ہے؟ یہ کوالٹیز ایسی ہیں کہ میں اور آپ اس پر فوکس ہوں، امفیسائز کریں، دیکھیں. کیوں اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے واو 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 اور تو اس کا مطلب پہ یہ بہت ہی اہم کوالٹیز ہے. اور یہ ایک عربی کا انداز ہوتا ہے کہ جب کوئی بات اہم ہے تو اگین ریپیٹیشن اسم موصولہ کنیکٹنگ ناؤن کے ذریعے جسے کہا جائے دی جاتی ہے. اسی طرح دیکھیں اگر آپ ان آیات کو دیکھیں، عباد الرحمن الذین یمشون یمشون، جتنے بھی کنگل جو افعال ہیں ورب استعمال ہوئے ہیں وہ زیادہ تر مدارے ہیں، جس کا ٹرانسلیشن یا تو پریزنٹ میں کیا جاتا ہے یا فیوچر میں. تو مسلسل اس کا مطلب ہے کہ عباد الرحمن وہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو عبادت کرتے. یہ نہیں ہے کہ آج انہوں نے جسے کہا جائے نماز پڑھی، یعنی آج رمضان میں قیام الليل کیا اور باقی ساری راتیں سو کے گزاری، مسلسل کام کرتے ہیں. یعنی ایک رات نہیں جاگتے کہ جسے کہا جائے اس 30 دن میں نہیں جاگتے، بلکہ ساری رات وہ اللہ مراد کے ساری راتوں کو جاگتے ہیں، قیام الليل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جسے کہا جائے ایک آیت انہوں نے پڑھی اور ان کے دل پر اثر ہوا، ساری آیتیں ان کے دل پر اثر کرتی ہیں. ہم تو ایک ہی آیت پڑھ کے بس روتے ہیں، ان کے اوپر ساری آیتیں دل پر اثر کرتی. ایسا نہیں ہے کہ آج رمضان کا مہینہ ہے، خوب صدقہ دیا، خوب خیرات کیا، خوب زکات دی، لیکن باقی ریسٹ آف دا منتھ میں بالکل ٹھنڈے پڑے، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو یمشونا اور اسی طرح یبیتونا کے ورڈ آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام مسلسل ہو رہا ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ کچھ دن کے لیے رمضان کے لیے اسپیشل ایک لبادہ پہن لیا، کلاسز بھی لے لی، یہ بھی کر لیا، باقی راتوں میں باقی دنوں میں کہاں اللہ کی ذات اور کہاں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ واقعی عباد الرحمن بننا آسان کام نہیں ہے، لیکن یقین کیجئے جب اللہ سے آپ مدد مانگیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایسا بنا دے. یہ کوئی عام کوالٹیز نہیں ہے، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے والی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان کاموں کی اللہ تعالیٰ نے کیا جزا بتائی. یہ کوئی آرڈینری سے کام ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ مسلسل کرے؟ اللہ ہمیں رمضان کا مسلمان نہیں، ہمیں ہمیشہ کا عباد الرحمن بنا دے. اللہ تعالیٰ کریم کی جزا تو سنیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا. خالدین فیہا حسنت مستقر و مقاما. وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کتنی اچھی جگہ اور کتنا اچھا مقام. آیات کو غور سے دیکھیں، آپ سب کے سامنے کھولی ہوں گے سورہ جسے کہتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر انشاءاللہ لاسٹ کی آیات کو دیکھیں، بالکل لاسٹ میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. یہاں پہ اولائی کا کورڈ آ رہا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے، آپ نے ڈیمونسٹریٹو نام پڑھا ہوگا، اس اشارہ کے نام پڑھے ہوں گے. ایک ہوتا ہے ہا اولائی اور ایک ہوتا ہے اولائی کا. ہا اولائی قریب کی چیز ہے، اولائی کا دور کا اشارہ ہے. اب آپ اس سے ان کی بلندی کا اندازہ لگائیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا اولائی کا، اس سے کیا پتا چلتی ہے؟ ان کے رینک بہت بلند ہوں گے، وہ بہت بلندی پر ہوں گے. یہ ان کو کیوں اتنی بلندی ملی ہے؟ کیوں اتنا ان کو سب کچھ ملا؟ صبر کے بدلے، بما صبر. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہم نے اس جسے کہا عباد الرحمن کی تین سے پہلے 10 منٹ کا سیشن کیا رکھا تھا؟ صبر پہ رکھا تھا. کہ یہ جو عباد الرحمن کی جو اتنی کوالٹیز کیسے یکجا ہو گئی؟ بیمار صبر.
बीमार सबर, उन्होंने सबर की वजह से मिला जो भी, जिन चीजों पे भी अल्लाह सुबहाना व तआला ने रुकने को कहा वो रुकते गए, जिनको करने को कहा वो करते गए। तो इस तरह वो हर तरीके से सबर करते हैं जहां भी सबर किया जाता है। और अगर हम देखें दुनिया में किस 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 जगह पर सबर किया जाता है, अल्लाह की अताअत पर सबर सबर करना, मुराद है कि अल्लाह की अताअत पर कारबंद रहने के लिए सबर करना पड़ता है, बुराई को छोड़ने के लिए सबर करना पड़ता है, किस कदर मुशक्कत होती है बुराई की आदत दूर करने के लिए। याद रखिए ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुसलसल मेहनत से कोशिश से आप इसको हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अल्लाह की हुदूद पर कायम रहना, इस पर सबर करना, सारी लज्जतें सारी ऐश सारे आराम को छोड़ना, उस पर सबर करना, नेकी और सीधे राह पर चलते हुए इंसान को जो नुकसान होता है, कितना आपको पता है ना, ईमान के हिसाब से आपका टेस्ट आता है। अगर आप नेकी के काम में भागते हैं तो आपका टेस्ट भी जैसे कहा जाए इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगा। अभी मैं आपको लास्ट में एक टेस्ट का वाक्य सुनाऊंगी तो फिर आप देखेगा कि कैसे कैसे टेस्ट आते हैं। तो कहने का मकसद है कि जितना ज्यादा आप जिसे कहा जाए मतलब अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, नेकी के रास्ते पर है, तो इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है, इस पर सबर करना, इज्जत की महरूमी पर सबर करना। कितने लोग हैं जो आपको लेट डाउन करते हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, आपको डिग्रेड करते हैं, तो उस पर सबर करना, ताल्लुकात में आपस में एक दूसरे के साथ सबर करना, लेन देन में एक दूसरे के साथ सबर करना। तो याद रखिए इबादुर्रहमान की जो क्वालिटीज है, ये जो खूबियां है, वो दुनिया में सबर करते हैं, दुनिया में हर दिल खींच लेने वाली चीज से बचते हैं। किसका दिल नहीं चाहता अच्छे कपड़े पहने, किसका दिल नहीं चाहता बाल खोलने का, किसका दिल नहीं चाहता कि जो भी हम इंसान है हमारी ब्यूटी का एक मेयार है, एक कंसेप्ट है, हम में से कौन है जो ये नहीं चाहता कि वो जिसे कहा जाए इस तरह से रहे। तो कहने का मकसद है कि हम में से हर एक का दिल चाहता है, लेकिन जो अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को अपने हस्बैंड के लिए खास कर लेते हैं, अपने महरम रिश्तों के लिए खास कर लेते हैं, तो फिर ऐसे लोगों की क्या जैसा है। अब सोचिए ना, हम क्या मैं और आप यहाँ बैठे हैं तो मशक्कत के साथ ही बैठे हैं, हर नेकी के साथ एक मशक्कत है, मशक्कत उठानी पड़ती है, किसका दिल चाहता है वो दूर करके बैठे, हर एक का दिल चाहता है कि बस जिंदगी लम ऐसे ही गुजारे। लेकिन सुभान अल्लाह आप ये देखिए कि जो भी दुनिया की वो चीजें हैं जो टेम्पटेशन है, आपका दिल चाह रहा है लेकिन आप अपने आप को उस चीज से खींच लेते हैं, आपका दिल चाह रहा है कि आप ऐसी शादी, अभी आप देखिए ना कितने आपको बुलावे आते हैं कि ये शादी का कार्ड है, क्यों माइयों में भी आपने नहीं देखी अपने घरानों में, अब आप अल्लाह के जिन से अल्लाह तआला ने आपको हिदायत दी, अब आपको कोई बुलाता है, दिल तो अंदर से इंसान को सोचता है ना कि 10 लोग जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार जा रहे हैं, मैं सगी हूँ नहीं जा सकती, क्यों कि मुझे पता है कि अगर मैं चली गई तो फिर क्या होगा। असल बात है यही कि वो टेम्पटेशन जो आपको अल्लाह की मोहब्बत उस टेम्पटेशन से ऊपर आ जाए और आपको रोक दे उस बुराई से, उस अल्लाह ताला की नाफरमानी से। तो आप देखें कितनी जगह ऐसा होता है कि जहाँ इंसान पिसलने लगता है, ऐसे मुकाम आते हैं, तो ऐसे मौके पर इबादुर्रहमान अपने स्टेप को स्ट्रॉन्ग लेते हैं। दुनिया का ये सबर इंसान को कहाँ पहुंचाने वाला है, आज आप ये सबर कर लेंगे ना तो कल जन्नत के बाला खाने, आज अगर आप यहाँ सबर नहीं करते तो दुनिया की हकीर सी नेमत आपको मिलती है। चलो आपको मर्सिडीज चाहिए आपने सूद पर ले ली, आपको घर चाहिए सूद पर ले ली, कितने दिन तक ये घर ये मर्सिडीज या कोई भी दुनिया की चीज जो आपने सूद पर ली वो आपके साथ रहेगी, सच बता दीजिए। जन्नत के बाला खानों के बदले आप इसको बेच देंगे, एक दफा सोचे जरूर जाके, किसको जन्नत के बाला खाने नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हमें जन्नत के बाला खाने दे, ये बुलंद मकाम किस वजह से मिला, दुनिया में सबर की वजह से। फिर वो जन्नत में उनको हर तरफ से जिसे कहा जाए खैर उस सलामती की दुआएं मिलेंगी, मौत से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक इनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, इनका शानदार इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ देखिए यानी उनका शानदार इस्तेमाल किया जाएगा और मलाइका हर मुकाम पर उन्हें दुआ देंगे, क्या दुआ देंगे और सलाम पेश करेंगे, इस वजह से कि दुनिया में जब लोग इनका मजाक उड़ाते थे, इनको बुरा भला कहते थे, तो ये सब्र करते थे अपनी जन्नत में जाने के लिए, हर तरफ से इनको अच्छी अच्छी बातें सुनाई देंगी। आज भी आपका लोग मजाक उड़ाते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपके बारे में बहुत कमेंट्स पास करते हैं, लेकिन आप देखिए जन्नत के बाला खाने, हमें से कौन है जो इन चीजों को बर्दाश्त करें। क्यों इतना इस्लाम पे प्रोपेगेंडा किया जाता है, लोग स्कार्फ उतार देते हैं, लोग निकाब छोड़ देते हैं, लोग अपनी आइडेंटिटी बदल देते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्या जन्नत के बाला खाने अल्लाह की बातों का मुझे और आपको यकीन नहीं है?
अल्लाह ताला कुरानी मजीद में फरमाते हैं जिसका मफहूम आता है मरियम, जिसे कहा जाए उसका मफहूम आता है कि क्या जन्नती लोग जिसे कहा जाए जन्नत में दाखिल होंगे और उनका इस्तकबाल करने वाले फरिश्ते सलामुन अलैकुम कहेंगे, इनका इस्तकबाल करेंगे और क्या कहेंगे, तद तुम बहुत अच्छे रहे तुम, कि तुम्हें बहुत मुबारकबाद, जैसे होता है ना कोई आता है हम उसको क्या कहते हैं वेलकम टू ऑल, वेलकम टू ऑल, तो कैसे उनको मुबारकबाद दी जाएगी, कैसे जिसे कहा जाए उनको जिसे कहा जाए मुबारकबाद दी जाएगी, जिस पर जन्नती लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सूरह जुमर की आयत नंबर 374 और 73 के अंदर आता है, इसी तरह अहले जन्नत पर क्या हर सांस के साथ अल्लाह की तस्बीह सुभान अल्लाह और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना कहेंगे, और एक दूसरे से मिलेंगे तो अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, बाहिनी गुफ्तगू के एंड पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के पाकीजा कलिमात अदा करेंगे, तो ये कौन कहेगा जो जन्नत में जाएगा। इसी तरह ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 10 का मफहूम आता है, इसी तरह जन्नती लोग कोई फजूल बेहूदा फहश फहश कोई और कोई भी जैसे कहते हैं झूठी लकवियात बातों से उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बातें नहीं करते, और इसका जिक्र कहाँ आता है, सूरह अल वाकिया आयत नंबर 25 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जन्नत के लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कौन कौन दाखिल होने का दिल चाह रहा है अभी से, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत में चबा ले। एक पुकार लगाई जाएगी, तुमको हमेशा के लिए सेहत मिलेगी, अब तुम कभी बीमार नहीं होते, दुनिया में कौन है जो बीमार नहीं होता, हमने देखा था ना जो जो बीमार नहीं होते तो उनका हाल क्या था, हमारी जो अस हमने देखा सहाबी को, आपने याद है ना वो किस्सा, किस किस को याद है, सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बात है कि एक पुकार लगाई जाएगी कि तुमको हमेशा हमेशा के लिए सेहत मिलेगी, अब तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम हमेशा जवान रहोगे। कितने लोग रहना चाहते हैं जवान, आज जवानी के लिए कहाँ जाते हैं, यंग पार्लर जाते हैं, और फिर कितनी देर तक वो जवानी कायम रहती है, एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 15 दिन, उसके बाद वापस आपकी ओरिजिनल शक्ल आ जाती है, फिर आप चाहते हैं, है ना, यही हमारी कुछ कैफियत होती है, अक्सर आप शादी में भी ऐसे ही धोखा होता है। आप सोचिए कि कभी भी आप जैसे कहा जाए हमेशा जवान रहेंगे, तुम पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब देखिए बुढ़ापा सच एक बीमारी है, अब ऐसे लोगों को देखिए जो अरसलुल उम्र पे पहुंचे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, ऐसे लोग बहुत है, रब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो आप देखिए बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम हमेशा खुश रहोगे, कभी उदास नहीं होगे, यहाँ तो हर डेली आप उदास होते हैं, कोई ना कोई चीज आपको जरूर उदास करती है, चाहे वो अजवाज की नाफरमानी हो, चाहे बच्चे की नाफरमान, किसी की तकलीफ दे बात हो, तो वहां कभी उदासी नहीं होगी, बस आप खुश रहेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम हमेशा खुश रहोगे, कभी उदास नहीं होगे, तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी और कभी मौत नहीं आएगी, कभी मौत नहीं आएगी, इस दुनिया से तो इंसान को जाना है ना, तो लिहाजा वहां कभी भी मौत नहीं आएगी, जन्नत में ना कोई बीमारी है, ना बुढ़ापा है, ना कोई मौत है। और अगर एक जन्नती अपनी कंगन समेत दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी को इस तरह खत्म कर देगा जिस तरह सूरज की रोशनी तारों को खत्म कर देती है। अगर सूरज रोशन हो, सन निकले, सनराइज हो, तो तारे नजर आते हैं आपको आसमान पर, कुछ भी नजर नहीं आता। तो एक जिसे कहा जाए जन्नती, जब कोई जिसे कहा जाए वो झांक ले तो सूरज की रोशनी जिस तरह से झा जाती है तारों पर, इस तरह वो पूरी दुनिया पर छा जाएगा। इसी तरह अगर जन्नती खातून अल्लाह ताला हम सबको बना दे, दुनिया में एक दफा झांक ले तो मशरक यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक के दरमियान हर चीज को रोशन कर दे और सारी फिजा को खुशबू से मुअत्तर कर दे, यानी हर चीज परफ्यूम जैसे खुशबू खुशबू वाली हो जाए, जन्नत के 100 दर्जे जाते हैं और हर दर्जे के दरमियान जमीन और आसमान के बराबर फासला है। आप देखिए 100 दर्जे हैं, 100 लेवल्स हैं और हर लेवल्स के दरमियान कितना फासला है, और याद रखिए जन्नत में जो दाखिला है वो अल्लाह की रहमत से होगा, लेकिन ये जो दर्जात है ना आसमान से जमीन तक का फासला, ये अमलों की बुनियाद पर होगा।
जन्नत के अंदर दाखला अल्लाह की रहमत से, लेकिन कौन किस मरातब पर है, कौन जन्नत के किस लेवल पर है, वो आपके अमल की बुनियाद पर होगा। हो सकता है कि आप जिसे कहा जाए सबसे ऊपर टॉप पर, और आपका बच्चा जिसे कहा जाए थर्ड वाले पे, फोर्थ वाले पे, या आप थर्ड फोर्थ पर है और आपको पता ही नहीं आपके बच्चे ने कहाँ कहाँ दीन का पैगाम पहुंचाया, कहाँ तक पहुंच गया। अल्लाह अकबर, तो दर्जों की बुलंदी। आप देखिए आज यहाँ से अगर आसमान को देखें कितना नजर आता है, तारे चांद छोटे छोटे से नजर आते हैं ना, कितनी बुलंदी का फासले के डिफरेंस को देखें। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे उला इका युजजऊन अल गुरफा, और गुरफा का जो वर्ड आता है ना, ये बुलंद बुलंद इमारत के लिए आता है, यानी ऊंची चीज के लिए आता है। मुराद है कि यानी एक बाला खाने नहीं होंगे, एक पैलेस नहीं होंगे, एक मेंशन नहीं होंगे, बल्कि ये इसम जिन्स है। मुराद है कि इबादुर रहमान को सबर करने के लिए जन्नत के बाला खाने, एक से ज्यादा बेइंतहा बाला खाने ऊंचे महल अता किए जाएंगे, जिसकी बुलंदी उनके रैंकिंग के एतबार से होगी, उनके मराते के एतबार से होगी। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु अनु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत अपने ऊपर की तरफ बाला खानों को देखेंगे, जैसे तो मशरक या मगरब, वेस्ट और ईस्ट के ऊपर दूर चमकते तारों को देखते हो, तो तारों को देखते हो इनकी एक दूसरे के दरमियान दर्जों की बढ़तरी की वजह से। मुराद है कि वो एक दूसरे को ऐसे देखेंगे बाला खानों में, मैंने बाला खानों के दरमियान डिफरेंस कैसा होगा, जैसे मैं और आप मशरक और मगरब को यहाँ से देखते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट को देखते हैं, इतना दर्जों का फर्क होगा। इसी तरह गुरफा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जन्नत के लोग ऊंचे ऊंचे महलों में मेंशन देखेंगे, इस तरह जैसे हम दुनिया में आसमान और सितारों और चांद को देखते हैं। और देखें सितारों को जब हम देखते हैं तो कितना दूर है, अंदाजा लगाइए कि गुरफा कितना बड़ा होगा। जन्नत के महल सोने के, चांदी के, ईंटों से बने होंगे, इनका गारा जो मिट्टी है वो खुशबूदार मिस्क होगी, इसके संगरेजे मोती याकूत के होंगे, और इसकी मिट्टी जाफरान की होगी। अल्लाह अकबर, ऐसे घर आपने दुनिया में देखे? जब कभी मेंशन को देखे ना, बस कुरान की आयत को याद कर, अहदीस को याद कर ले। या अल्लाह, हम तो दुनिया के घर जब मेंशन देखते हैं, दुनिया की कोई ऐसी गाड़ी देखते हैं, हमारे बच्चे आज की नेशन आके फटी के पटी रह जाती हैं, और बस एक अंदर से तकलीफ होती कि हमें क्यों नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो यही बताया जा रहा, जन्नत में उनको ये महल मिला इस वजह से कि उन्होंने सबर किया, उन्होंने नेकियों पर सबर किया, बुराई से इज्तनाब पर सबर किया। ये दुनिया में अल्लाह के बंदे बने रहे, इबादुल रहमान बनते जिए, अल्लाह की रजा पर राजी रहे, अल्लाह के फैसलों पर नाराज नहीं हुए, राह हक में पेश आने वाली हर मुसीबत पर सबर किया। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह जुमर आयत नंबर 10 में फरमाते हैं, इन्नमा युवफ्फा सादिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। क्या होगा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अबू दाऊद की है कि सॉरी इसका ट्रांसलेशन देखिए, बेशक क्या सिर्फ सबर करने वालों को उनका अजर किसी शुमार के बगैर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की रिवायत में फरमाई, बहुत अहम है ये, इतना इंतहाई अहम है कि हमारे लिए खुशखबरी है, तो इसको बहुत गौर से सुनिएगा। तुम्हारे आखिर जमाने में सबर के ऐसे दिन आएंगे कि इनमें सबर करना मुट्ठी के अंदर, अपनी अपनी इस मुट्ठी के अंदर अंगारा, कोल कोल तार होता है ना, जैसे जो जिसको जिसको हीट किया जाता है लेने के मिसालों का, इतना मुश्किल होगा सबर। अल्लाह के नबी कहते हैं सबर के ऐसे दिन आएंगे कि उनमें सबर करना मुट्ठी में अंगारा लेने के मिसाल होगा। उस वक्त जो दीन पर अमल करेगा उसका अमल 50 गुना अजरो सवाब में ज्यादा होगा। आज अगर आप सफर करते हैं तो 50 टाइम्स आपको अजर सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ कि सहाबा रदी अल्लाह अनु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस जमाने के 50 लोगों के अजर के बराबर उसको सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे 50 आदमियों के बराबर उसको सवाब मिलेगा। सहाबा रदी अल्लाह अनु, आज आप सफर करते हैं, पता था इसलिए तो कुछ खबरियां थी कि सबर करना बहुत मुश्किल काम है, इबादुर रहमान ऐसे थोड़ी बन गए बिना सबर। सहाबा रजी अल्लाह उनकी तरह 50
उनके अल्लाह अकबर अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अनु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबे से फरमाया, तुम मेरी बात शायद हक तलफी देखोगे, इनजस्टिस देखोगे, तुम क्या करना, सबर करना, यहाँ तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से जा मिलो, मैं तुम्हें कयामत के दिन हौस हौस पर मिलूंगा। सहाबा रजी अल्लाह अनु ने अर्ज किया, हम सबर कर लेंगे। उनको पता था ना कि अल्लाह के नबी का वादा सच्चा है, आज सबर करेंगे कल हौस पे जाके मिल जाने वाले। हमें तो खुशखबरी अहदीस के जरिए से, कुरान मजीद के जरिए से दी जा रही है, लेकिन सच बताइए मेरे और आपके अंदर कितना सब्र है? अभी टाइम ऊपर होगा, कितनी हलचल मच जाती है कि बस टाइम हम खुद देखते हैं। मैं तो टाइम देखती हूँ कि मुझे अपने स्लॉट को मुकम्मल करना है, लेकिन आप टाइम देखते, हो सकता है कि मे भी अल्लाह मल्लम कई रीजन हो सकते हैं। तो कहने का मकसद, हम थोड़ी देर तक बाज़ औक़ात नहीं सब्र कर पा रहे होते। इसी तरह देखिए, जुबैर बिन अदी फरमाते हैं, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अनहु की खिदमत में वो कहते हैं कि मैं हाजिर हुआ और उनके सामने हिजाज के मजालिम की शिकायत की। और तो आप रदी अल्लाह उन्होंने फरमाया, अल्लाह से डरते रहो। कौन है अनस बिन मालिक? अल्लाह के नबी के गुलाम, जिसे कहा जा आपके साथ 10 साल रहे, जिसे कहा जा मुसलसल आपकी खिदमत की। तो वो क्या कहते हैं, जब किसी ने उनके सामने हजाज के मजालिम, जो उसका इनजस्टिस था, उसकी शिकायत की, तो आपने कहा अल्लाह से डरते रहो, सबर करो, क्योंकि कोई साल ऐसा नहीं है कि इसके बाद वाला साल उससे सख्त ना हो। हर साल सख्त होता जाएगा। आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, 5 साल पहले से लेकर आज 5 साल के बाद किस कदर मुश्किल हो गई जिंदगी। सब कहते हैं ये बात, सबर करना डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा लगता है सब चीजें हाथों से निकल रही हैं, आपके कंट्रोल में कुछ, मतलब एक होता ना, पहले हम पढ़ते थे, होश होते थे, अब ऐसा लगता है कि जिंदगी में बस भाग है, दौड़ है, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं है। और आप देखें कि हर बंदा परेशान है, क्योंकि ये साल आते जाएंगे, हर साल अगले पिछले साल से सख्त होता जाएगा जो पिछला गुजर गया। हसन बसरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, सबर खैर के खजानों में से एक खजाना है, अल्लाह ताला ये उसको अता करता है जो उसके यहाँ इज्जत वाला होता है। कौन है जो इज्जत चाहता है? तो ये खजाना, ये ट्रेजर उसको मिलेगा जो अल्लाह ताला के इज्जत वाला। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उकबतार। तुम पर सलाम हो इस दीन पर चलने की वजह से, जिस पर तुम कार बन रहे, जिस पर तुम स्टेट पास रहे, आखिरत का घर कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। क्यों ये आपको आखिरत का घर मिल रहा है? सबर की वजह से। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें ऐसी हैं जिसको वो दी गई तो उसको दुनिया और आखिरत की सारी खैर मिल गई। चाहते हैं ये चारों चीजें मिल जाएं, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, मुसीबत पर सबर करने वाला बदन, और बीवी जो उसकी अपनी जात में खयानत ना करे, यानी जना वगैरह ना करे, और ना ही उसके माल में खयानत करे। अल्लाह तो हमें भी अता कर दे यही। तो अमल यहाँ पे देखिए, मालिक बिन दिनार वही मौला फरमाते हैं कि नेकी के अमाल में से कोई अमल भी ऐसा नहीं मगर इसके पीछे क्या है, तकलीफ है। अब आप यहाँ है, तकलीफ तो हुई है, अभी उठने की दिल चाह रहा होगा सोने का ना, दर बदर रात में जाग रहे हैं, कर रहे हैं क़यामुल लैल कर रहे हैं, हर एक का दिल चाहता है कि थोड़ी देर सो जाए, लेकिन आपने क्या, अब आपने नेकी के लिए आपको मशक्कत उठानी पड़ी है। मालिक बिन दिनार रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि नेकी के अमाल में से कोई अमल भी ऐसा नहीं मगर उसके पीछे तकलीफ है। अगर नेकी करने वाले ने उस पर सबर किया, जैसे आप सबर करके यहाँ पर आ गए, तो नेकी उसको राहत की तरफ ले जाएगी। सुभान अल्लाह, अब आपको राहत मिलेगी क्योंकि आपने उस तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अगर क्या होगा, और अगर आप घबरा गए, आपको एकदम से मूड चेंज हो गया, आपका जिसे कहा जाए आपने अपना जो फैसला वो चेंज कर लिया, तो घबरा गया, तो उसको पहुंचाने वाली, जो पहुंचने वाली राहत है ना, वो उससे चली जाएगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह असमत बिन अबी हकीमा फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रो पड़े, अल्लाह के नबी रो रहे हैं। अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको किस चीज ने रुला दिया है, आप क्यों रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत का आखिरी जमाना और उन पर डाली जाने वाली मुसीबतों को याद किया है। किस कदर आप अपनी उम्मत से मोहब्बत करते थे, आप रो रहे हैं कि अपनी उम्मत का जो आखिरी जमाना है और उन पर जो मुसीबतें डाली जाएंगी उसको सोच के रो रहे हैं। इनमें सब्र करने वाला कयामत के दिन जब आएगा तो उसको 2 शहीदों का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन सब्र देते हैं। हम यही सोचते हैं कि हजार हमारे पेरेंट्स कितने सब्र वाले थे, लेकिन आज हम और फिर हमारी नस्लें
क्यों बेइज्जत अपनी है, ये होता जाएगा ऐसा। असल बात है कि बस ये है ऐसी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुमने इसको मजबूती से पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया, तो तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस। अब मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ तो इंशाल्लाह आपको और बात समझ आएगी। बहुत ही खूबसूरत वाकया है जो कि हमारे सलफ का वाकया, जिसे कहा जाए सबर के हवाले से, इमाम औजाई रहिमाउल्लाह का नाम आप सब जानते होंगे। तो वो क्या है, एक वो कहते हैं कि वो फरमाते हैं मुझे एक दानिशवर ने बयान किया, यानी जो बहुत इलम रखता था, कहता है कि मैं जिहाद के खातिर निकला, यानी मैं जिहाद करने निकला, और मेरा इरादा था कि जहाँ रात और दिन दुश्मन का खतरा होता है तो मैं बेसिकली उसी चौकी जो होती है ना, चौकी बनी होती है जहाँ पे दुश्मन हमला करते हैं, तो इनका इरादा था कि मैं उसी चौकी पर जाके ठहरूंगा। कहते हैं कि मैं अरीशे मिस्र तक पहुंचा, और ये जो अरीशे मिस्र है ये थोड़ा सा दूर है, मैंने देखा कि एक छप्पर है, एक झोपड़ी नहीं होती जैसे एक छोटा सा, जैसे कह लीजिए कि शेड है, झोपड़ी सी बनी हुई है और छप्पर सा है, उसके नीचे एक आदमी को देखा कि जिसके हाथ पांव और निगाह यानी आंखें जाया हो चुकी थी, आंख भी नहीं थी, पांव भी नहीं। आप सोचिए, हाथ नहीं है, इमेजिनेशन में लाए, हाथ नहीं है, पांव भी नहीं है, और फिर आंखें भी नहीं, ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं था। अब क्या हुआ, वो ये कलिमात कह रहा था, ये वर्ड्स कह रहा था, ए अल्लाह मैं तेरी ऐसी हम्द करता हूँ जो तेरी मखलूक की तमाम अदा की भी तारीफों को मुहित है, जितनी भी अल्लाह की क्रिएशन है वो जो अल्लाह की हम्द करती है उन सब को उसने जिसे काजे ग्रैब कर लिया। अल्लाह की ऐसी तारीफ, सच बताइए हम हाथ पांव वाले, आंखों से देखने वाले कभी इस तरह तारीफ करते हैं? अल्लाह हू अकबर, हम कभी कह नहीं सकते। जितनी मखलूक अल्लाह की हम्द और सना कर रही है उन सब पर हम जिसे कहा जो अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं उन सब पर मुहित है। मैं ऐसी तारीफ कर रहा हूँ, मैं ऐसी अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर। कहते हैं, फिर कहते हैं, ए अल्लाह मैं तेरी ऐसी हम्द करता हूँ जो तेरी मखलूक की तमाम अदा की भी तारीफों पर मुहित है, तेरी फजीलत के बकदर जो तुझे तेरी मखलूक पर हाजिर है। और ये भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे अल्लाह को अपनी मखलूक पर एक जिसे कहा जाए फजीलत हासिल है, तो उस तरह से अल्लाह की तारीफ करें। तुम फिर क्या कहते हैं, क्योंकि तूने मुझे अपनी जो क्रिएशन है उसमें से बहुत सारों पर फजीलत दी है। इमेजिनेशन में लाए, मैं सोच रही थी कि कौन, अगर हम जैसे इंसान हो जिनका लिमिटेड एरिया, लिमिटेड विजन है, वो कहेंगे हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं, आंखें नहीं, और वो कहने के मुझे इतनी सारी जो क्रिएशन है उसमें मुझको फजीलत थी, अल्लाह हू अकबर। क्योंकि फिर क्या है, फिर कहते हैं कि क्या? मतलब मुझे मखलूकात में से, क्रिएशन में से बहुत सारों पे मुझमें फजीलत थी। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं इससे पूछ कर रहूंगा जो दानिश्वर इंसान था कि इसको ये हम किसने सिखाई है या किसने इल्हाम किया है। फिर मैं इसके करीब हुआ और इसको सलाम किया, उसने मुझे सलाम का जवाब दिया। मैंने इससे कहा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उसके मुतल्लिक बताएंगे? इसने कहा अगर मुझे इसके मुतल्लिक इल्म हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने कहा तुम अल्लाह की नेमतों में से कौन सी नेमत पर उसकी हम बयान कर रहे थे? अब देखिए वो भी एक दानिश्वर भी है जो है सोच रहा है कि कौन सी जो नेमत है, जो घर भी नहीं है, छप्पर सा पड़ा हुआ है, खुद लेटा हुआ है, कोई भी आस पास नहीं हो, फिर अल्लाह की इतनी हम्द और सना, इतनी नेमत के बारे में अल्लाह ताला की तारीफ हो रही है, तो कौन सी नेमत पर उसकी इतनी हम्द कर रहे थे, या उसकी फजीलतों में से कौन सी फजीलत पर उसका शुक्र अदा कर रहे थे? अब वो देखे वो इंसान कहता है, उसने कहा क्या तुम देखते नहीं मेरे साथ उसने क्या किया है? मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने देखा है। फिर क्या कहते, उसने कहा खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह सुबहाना वताला आसमान से मुझ पर आग पलट कर मुझे जला दे और पहाड़ों को हुक्म दे और वो मुझे पीस डाले, मुझे बिल्कुल रेजा रेजा कर दे, और समुन्दरों को हुक्म दे कि वो मुझे गर्क कर दे, मैं उसके अंदर डाइव कर जाऊं, डूब जाऊं, और जमीन को हुक्म दे कि वो मुझे धंसा दे। आज भी कितने लोग सिंपैथी या सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं, जो जमीन गिरी है, जो अर्थक्वेक आया है, लोग गिरे, और ये शख्स को देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी बात है कि जमीन को हुक्म दे के वो मुझे धंसा दे, तब भी मेरी उसके साथ मोहब्बत और बढ़ जाएगी, मेरी उसके साथ तब मेरी मोहब्बत और बढ़ जाएगी, और मैं उसके शुक्र में और इजाफा कर दूंगा। अल्लाह अकबर, मुझे मुझे भी तुमसे एक काम है। अब जब ये बताते हैं तो वो बड़ा हैरान होता है
कहते हैं कि अब वो जो आदमी है बूढ़ा, वो कहता है मुझे भी तुमसे एक काम है, इसको गौर से सुनिएगा। मेरा एक लड़का है जो नमाज के वक्त मेरी निगरानी करता है और मुझे इफ्तार के वक्त खिलाता है, अल्लाह अकबर। और वो कल से गुम है, कल से नहीं पता वो कहाँ लॉस हो गया है, क्या वो तुम मुझे ढूंढ के ला दोगे? मैंने कहा ये बंदा तो बड़ा नेक है, इसका काम करना मेरे लिए और का जरिया बन जाएगा, इसकी मदद करना, क्योंकि ये हेल्पलेस है, लेटा हुआ है, तो इसके लिए तो बड़ा अच्छा है मेरे लिए मौका चुनाचा। मैं उसकी तलाश में उसको ढूंढने के लिए निकल खड़ा हुआ, जब मैं रेत के टीले ना जो ऊपर ऊपर जो पहाड़ होते हैं ना उसके ऊपर की तरफ मैं जब पहुंचा, तो क्या मैं देखता हूँ कि एक एक जानवर, एक दरिंदा उसके लड़के को चीर फाड़ के खा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं उस नेक आदमी का सामना सोचता हूँ कि मैं कैसे करूँ उस नेक आदमी का सामना, अगर मैंने इसको बताया तो ये तो मर जाएगा। फिर मैं इसके पास गया, इसको सलाम किया, इसने सलाम का जवाब दिया। फिर मैंने इसको कहा आपसे एक चीज का सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे? उसने कहा अगर मुझे इल्म होगा तो मैं जरूर आपको इसके मुतालिक बताऊंगा। मैंने कहा अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मर्तबा ज्यादा या अय्यूब अलैहि सलाम का? कहा अय्यूब अलैहि सलाम का मुझसे ज्यादा मर्तबे वाले, और अल्लाह के नजदीक इनकी कदर व मंजिलत बहुत ज्यादा है। मैंने कहा अल्लाह ने उनको आजमाइश में डाला था लेकिन उन्होंने सबर किया, उनकी तो ये हालत हो गई थी कि उनसे उन्स रखने वाले भी उनसे दूर चले गए। उसने कहा क्यों नहीं, फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा अच्छा, फिर उसने कहा क्यों नहीं? मैंने कहा तुमने अपने जिस बच्चे के बारे में मुझे बताया था, मैं इसको ढूंढने के लिए निकला था, मैंने इसको रेत के टीलों के दरमियान देखा, उसको एक जानवर एक दरिंदा फाड़ के खा रहा था। अब देखिए उसने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कहता है कि सब तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मेरे दिल में दुनिया की कोई हसरत बाकी नहीं रखी, कोई हसरत होता ना, हो सकता है वो चला जाता, बच्चा अकेला रहता, कहता मेरे दिल में कोई दुनिया की हसरत बाकी नहीं रखी। फिर उसको एक आवाज निकालता, फिर वो फौरन इस दुनिया से चला जाता है, अल्लाह ताला उस पर रहम करे। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मुझे उसके गुस्ल की फिक्र हुई, कफन की फिक्र हुई, मैं कैसे मदद करूं? मैं इसी हालत में मैंने देखा कि एक और ग्रुप आ रहा है जिसे कहा जाए लोग आ रहे हैं, वो अपनी सवारियों में उसी चौकी की तरफ जा रहे हैं जहां से दुश्मन का मुकाबला करना है। तो मैं उनको इशारा करता हूँ कि रुको, वो मेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं, मुझसे पूछते हैं क्या पूछता है, मैं उनको सारी बात बताता हूँ, वो रुक जाते हैं। फिर हम उस शख्स को समुन्दर के पानी समंदर का जो पानी उससे वसूल देते हैं, और उन कपड़ों में जिसने कहा था उसको दफना देते हैं जो उनके पास थे। फिर मैंने क्या उसकी नमाज जनाजा अदा की, इमामत की, और फिर उसको उसी छप्पर उसी झुग्गी के नीचे जिसे कहा था दफन कर दिया। फिर लोग जिसे कहा था जिहाद की चौकी की तरफ चले गए, और मैं उस छप्पर के नीचे उससे उन्स की वजह से, मुझे थोड़े टाइम का जो उसके साथ वक्त गुजारा ना उससे ताल्लुक की वजह से, मैं उसी के साथ चारपाई पे सो गया। अब कहते हैं कि जब मैं सो गया तो आधी रात गुजर गई, मैंने ड्रीम देखा, ख्वाब देखा कि मैं अपने फौत शुदा शख्स को एक ग्रीन बाग में देखता हूँ, और इस ग्रीन उस पर ग्रीन कलर 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 का ड्रेस है, वो खड़े होकर तिलावत कर रहा है अल्लाह अकबर। मैंने उससे पूछा तुम मेरे वही साथी नहीं हो? उसने कहा क्यों नहीं। मैंने पूछा तुम कौन सी नेकी की वजह से इस दर्जे को पहुंचे हो? कहने लगा मैं सबर की वजह से साबिरीन के इस दर्जे को पहुंचा हूँ। हम में से कौन है जो सबर करे मुझ समेत, हम में से कौन है जो सबर करे अल्लाह अल्लाह। अब देखिए मुसीबत पर सबर की वजह से और परवानी पर शुक्र की वजह से आज वो जन्नत में अल्लाह अकबर चले गए। तो असल बात है कि सुभान अल्लाह, हम में से कौन है जो सबर करे वाकई, और अल्लाह ताला की जो तरफ से जो खुशखबरियां हैं उनको ले। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे खालिदीन फीहा, वो हमेशा रहेंगे हसनत मुस्तकर व मुकामा, वो हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। क्या ही अच्छा मुस्तकर है और क्या ही अच्छा ठिकाना है। सहल बिन साद रजी अल्लाह अनु फरमाते हैं, उससे रिवायत है कि आप कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक घोड़ा रखने के बराबर की जगह दुनिया व मा फीहा से बेहतर एक घोड़ा, एक स्टेक रखने की जगह जिसे कहा जाए जन्नत के अंदर मिल जाए, तो वो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है अल्लाह अकबर। इसी तरह अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह अनु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में ऐसे बालाखाने, ऐसे मेंशन, ऐसे प्लेसेस होंगे जिनका अंदर का हिस्सा बाहर,
और बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई देगा। कोई ऐसे मेंशन आपको दुनिया में नजर आते हैं? ला तालु, कोई नहीं देख सकता। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अनु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार किया है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी बशर के दिल में इसका ख्याल आया। अगर चाहते हो तो सूरह अलिफ लाम में सजदा की इन आयात को पढ़ लो, फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअ बिमा कानू यअमलून। इसी तरह जन्नत के बाला खाने, आप देखिए जन्नत के बाला खानों में वो हमेशा रहेंगे। कभी कोई बेचैनी नहीं होगी कि उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ये जगह छिन जाएगी, किसी तरह का कोई खौफ नहीं होगा। इतना ऊंचा मुकाम आज की दुनिया में अगर तस्वुर लेकर आए, जो आजकल लोग क्यों जैसे कहा जाए पेंट हाउस पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर से सारी दुनिया नजर आती है। आज जो अल्लाह की खातिर अपने आप को झुका लेगा, पहली मंजिल से ही नजारा कर लेगा, तो कल अल्लाह ताला उसको पेंट हाउस का क्या, पूरी दुनिया के जैसे कहा जाए जन्नत के नजारे दे देंगे। बहुत आज लोग खास कर जिसे कहा जाए पेंट हाउस खास स्पेशल होता है, जिसे कहा जाए महंगा होता है, क्योंकि उससे आपको पूरा, आप देखिए ना 100 100 फीट की बाज़ोकात बिल्डिंग्स होती है, ताकि जो पूरी दुनिया को आप देख सके, नजारा कर सके। लेकिन आज जो अल्लाह की खातिर अपने आप को नीचा कर लेगा, तवाज़ो इख्तियार करेगा, ह्यूमिलिटी इख्तियार करेगा, कल अल्लाह उसको रैंकिंग कब कर देगा। इसीलिए आखिरी आयत में बताया जा रहा है, आखिरी आयत में क्या बताया जा रहा है, कुल मा यअबुकुम रब्बी लौला दुआउकुम फकद कज़्ज़बतुम फसौफ यकूनु लिज़ामा। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है अगर तुम उसको ना पुकारो? अल्लाह को आपकी कोई हाजत नहीं है। अब कि तुमने झुटला दिया, अनकरीब वो सजा पाओगे कि जान छुड़ानी महाल हो जाएगी। जहन्नुम की सजा ऐसी है कि जान को लागू है, इंसान मौत भी मांगेगा तो उसको मौत नहीं मिलेगी। आप देखिए बंदे और रब का जो ताल्लुक है, आप देखिए बंदे और रब का सबसे पहला, सबसे आखिरी और सबसे मजबूत रिश्ता किस चीज का है? दुआ का। आप देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मुझसे दुआएं तुम नहीं मांगते, तुम मेरी इबादत नहीं करते, तुम मुझे सजदा नहीं करते, मुझे मदद के लिए नहीं पुकारते, तो अल्लाह ताला को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला को मेरी आपकी कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हारा मोहताज नहीं है। तुम उसके मोहताज हो, अंतुमुल फकरा, तुम फकरा, वो तो गनी है, वो जिसे कहा जाए तुम उसके मोहताज हो, वो मांगता है, यानी और मांगता वही है, याद रखिए पुकारता वही है जो मोहताज होता है। इबादुर रहमान की यहाँ पे क्वालिटी जिसे कहा जाए एंड हो। इसीलिए अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि लोगों से कहो मेरे रब को तुम्हारी कोई हाजत नहीं है अगर तुम उसको नहीं पुकारो। यानी आप देखिए रब के नजदीक दुनिया की, यानी तुम्हारी जो ये जो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी आबादी की क्या हैसियत है, जो तुम्हारी पॉपुलेशन है उस पर, यानी इस जमीन की क्या हैसियत है। आप सोचिए अल्लाह की जितनी क्रिएशन है उसके अंदर जमीन का जो एक जो है ना, उसकी जो हैसियत, उसका जो मकान, उसका जो टाइटल एक डॉट के बराबर। अल्लाह की तो इतनी मखलूक है, उसमें जमीन के अंदर फिर हमारी क्या हैसियत है? हम अपने आप को बड़ी चीज बने, हम अपने आप की गर्दन ना झुकाएं, हम अल्लाह के आगे सजदा ना करें, हम बेलिबास बाहर फिरते रहे और हम अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करते जाए और हमें कोई होश ही नहीं आता। इस पूरी कायनात में जमीन की हैसियत एक जर्रे के बराबर है। तो मेरी और आपकी उस जमीन पे मैं और आप बसते हैं ना, तो हमारी हैसियत क्या है? जरे से भी कम है। फिर हम अपने आप को ऊंची चीज समझे, अल्लाह के बराबर अल्लाह के बराबर जिसे कहा जाए लोगों को करार दे। आप देखिए सिर्फ इंसान जो ये नहीं है, सारी नस्लें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितनी भी नस्लें आएंगी उनकी क्या हैसियत है? जब जमीन की एक डॉट के बराबर हैसियत है तो आपकी क्या हैसियत है? तो जरा गौर करें, रब्बुल आलमीन के मुकाबले में मेरी और आपकी क्या इम्पोर्टेंट है? इस एतबार से अल्लाह ताला मुझे और आपको तवज्जो दिला रहे, फोकस करवा रहे कि तुम नहीं मानते, अल्लाह से दुआ नहीं करते, तो लेकिन फिर भी सोचो तुम्हारी क्या हैसियत रह जाती है अगर तुम अपने रब को सजदा नहीं करते, उससे दुआएं नहीं करते, तो फिर तुम याद रखो अब जब तुम झुटला रहे हो तो फिर क्या होगा? अनकरीब ऐसा अजाब तुमको पहुंचेगा कि जिसके जरिए से तुम्हारे लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। एक लम्हे सोचे, अल्लाह ताला मुझे और आपको वाकई बादुर रहमान बना दे। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अनु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है,
क्या है ये हदीस कुदसी है, मेरे बंदो तुम में से हर एक गुमराह है, हर एक मिसगाइड है, सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत से सरफराज करूँ। अल्लाह तू हमें हिदायत से सरफराज कर दे। अल्लाहुम्मा इना बसदत ना मसल सकीम अदा कुलूबिना, बस तुम मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। तो क्या क्या पता चला, हिदायत अल्लाह से मांगनी पड़ती है। जब तक आप अल्लाह से हिदायत नहीं मांगेंगे, अल्लाह ताला बिन मांगे आपको औलाद भी देगा, रिस्क भी देगा, हर चीज देगा, लेकिन हिदायत के लिए अल्लाह के आगे रोना पड़ता है, अल्लाह से मांगना पड़ता है, तो अल्लाह आपको हिदायत देंगे। तुम में से हर एक भूखा है सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊं, बस तुम में से तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। आज हम लोगों को अगर फूड बास्केट का या कहीं भी फूड की रिक्वेस्ट आती है, हम समझते हैं कि शायद हम अपने माल में से खिला रहे हैं। अल्लाह खिलाता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है। हम में से कितने लोग हैं जो इमेजिनेशन में लेकर आए कि हमारे 100, 50, 30, 40 डॉलर से हमें क्या लगता है, ये तो हम कुछ नसीब है कि हमारे पैसे अल्लाह के रास्ते में लग गए। अल्लाह ताला कह रहे थे मैं खिलाता हूँ मेरे बंदो, तुम सब नेके दो सिवाय उसके जिसको मैं पहनाऊ, तुम मुझसे पहनावा तलब करो मैं तुम्हें पहनाऊंगा। मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाह करते हो, मैं तमाम गुनाह को बख्श देने वाला हूँ, पर मुझसे बख्श तलब करो। रमजान का महीना है, मगफरत का महीना है, खूब अल्लाह से रो के मांगे, अल्लाह हम सब के रमजान के महीने में बख्शिश कर दे। हमारी अल्लाहुम्मा اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، अल्लाह की कर दे, बख्शिश कर दे। अल्लाह ताला कह रहे मैं बख्श दूंगा मेरे बंदो, तुम मुझे नुकसान और नफा पहुंचाने की ताकत नहीं रखते। मेरे बंदो तुम्हारे तमाम जिसे कहा जो अगले पिछले जिन व इंस, यानी जो इंसान है और जिन है, सबसे ज्यादा मुत्तकी इंसान के दिल की तरह हो जाए, तो मेरी सल्तनत में, मेरी किंगडम में जरा बराबर भी इजाफा नहीं होता। अगर आप मुत्तकी बनेंगे अल्लाह को कोई फायदा नहीं। किसको फायदा है? आपको फायदा है कि मेरा और आपका 5 6 फीट का जिस्म कल आग से बच जाएगा, मैं और आप जन्नत के बाला खाने हासिल कर लेंगे। इसी तरह देखिए अल्लाह ताला कहते हैं आगे से कह रहे, जिन जिन और इन सबसे ज्यादा मुत्तकी इंसान के दिल की तरह हो जाए, तो ये मेरी सल्तनत में जरा बराबर इजाफा नहीं कर सकते। मेरे बंदो तुम्हारी अगले पिछले इंसान और जिन बदतरीन फासिक फाजर इंसान की तरह हो जाए, तो ये भी मेरी हुकूमत में कोई नुक्स पैदा नहीं कर सकते। कोई भी कितना जिसे कहा जाए झिटाई पे आ जाए, फिस्ट पे आ जाए, फाजे बन जाए, अल्लाह को अल्लाह ताला की किंगडम पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे बंदो तुम्हारे अगले पिछले जिन और इंस अगर सब खुले मैदान में इकट्ठा हो जाए, फिर वो मुझसे मांगने लगे, अल्लाह के आगे हाथ फैलाने लगे। आप देखिए हरम में हर जगह लैलतुल कदर में लोग अल्लाह के आगे हाथ फैला रहे होते हैं। अल्लाह ताला कह रहे सब खुले मैदान में इकट्ठे हो जाए, फिर वो मुझसे मांगने लगे, मैं हर किसी को उसकी मुंह मांगी मुरादें पूरी कर दूंगा। तो मेरे खजानों में इतनी भी कमी वाकई नहीं हो सकती जितनी एक सुई को, एक नडल को जिसे कहा जाए समुन्दर में डाल के निकाले तो कोई कमी वाकई होती है? क्यों नहीं पुकारते? तो आपको पता है शहरुद दुआ का महीना, शहरुल मगफरा महीना, शहरुल सबर का महीना है। अल्लाह मुझे कहने से ज्यादा अमल की तौफीक दे और हम सबको अमल की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इबादुर रहमान की सिफात को देख लिया, और आखिर तक पहुंचते पहुंचते ये सारी क्या पता चला, सारे कामों में सबर की जरूरत है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बिल्कुल जिसे कहा जाए कंसिस्टेंसी के साथ, आपने जिसे कहा जाए वो सारी अमाल को बजा लाना है जो कल आपको जन्नत में ले जाने का बायस बन जाए। अल्लाह ताला मुझे आपको इबादुर रहमान जैसी खुसूसियात दे दे। अल्लाह हमें वो तो वो मुकाम दे दे जो कल इबादुर रहमान का अल्लाह सुबहाना बताला के हैं। जायजा ले लेते हैं क्या मैं इस इल्म को, मैं इस दुआ को समझ के पढ़ती हूँ, क्या मैं दुआ को समझने के बाद दिल से मांगती हूँ, या सिर्फ अपनी जबान को हरकत देती हूँ? क्या मैं दुआ को अपने रब के साथ ताल्लुक का जरिया समझती हूँ? क्या अल्लाह ताला से मांगते वक्त मेरी आंखों में आंसू आते हैं? क्या मैं अपनी औलाद और अजवाज को आंखों की ठंडक बनवाना चाहती हूँ? अल्लाह ताला हमारी औलादों को बना दे, हमारे अजवाज को बना दे। क्या मैंने अपने आप को मुत्तकीन का इमाम बनाना चाह रहा है? क्या मैंने वो सारे औसाफ जो इबादुर रहमान के अंदर आते हैं अपने अंदर अपनाना चाहती
करती हूँ? क्या मैं सब्र के साथ तमाम मामलात और इबादात को लेती हूँ? क्या दुनिया में जब कभी तकलीफ आती तो मैं जन्नत को याद करती हूँ? क्या जन्नत के बाला खाने मुझे बेचैन करते हैं? क्या मैं जन्नत के लिए सब्र करने की कोशिश करती हूँ? इसके लिए मददगार दुआएं देखे जाए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। रब्बी हबली मिन लदुन ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ وَرَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك وليا اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني اللهم جزاك الله خيرا كثيرا بارك الله فيك. ان شاء الله ہم دعا کرتے اور اس کے بعد میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، وہ بہنیں جو الحمدللہ دعا کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں، مراد ہے کہ اپنی پارٹیسپیشن کرنا چاہتی ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی پلیز آپ لوگ اپنی ان شاء اللہ پارٹیسپیشن ضرور کیجیے گا. جو بھی اس سیریز کے اندر آپ کو فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو علم نافع بنا دے اور ہمارے لیے جسے کہا جائے کل آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. سب کو ان شاء اللہ بچوں کو بلائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا اور سب کے ہاتھوں میں سب کو بٹھا دیں. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے سب بچوں کو بٹھائی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم جو مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ اپنے خزانوں سے دے دے، کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ پورے جسے کہا جائے میدان میں اگر لوگ اللہ کے آگے مانگے اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جو کہ جسے کہا جائے سمندر میں ایک سوئی کے ڈالنے سے آتی ہے. انشاءاللہ سب زمین پہ بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھوں کو انشاءاللہ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى. ملء سماواتك وملء ارضك وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، عدد ما حمدك الحامدون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون. والصلاه والسلام على عبدك ورسولك محمد خاتم الانبياء ورسلك وقيرتك من خلقك وأمينك على وحيك وعلى أصحابه أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے کہ تو نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی اور ہمیں قرآن و حکمت کی تعلیم دی. اللهم لك الحمد حمدا شاكرين سافرين تائبين المستغفرين الصائمين القائمين. لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. يا الله اے اللہ تیرے ہی تعریف ہے، جیسا کہ تعریف کرتے ہیں شکر کرنے والے، ذکر کرنے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، روزہ رکھنے والے، قیام کرنے والے، تیری ہی تعریف ہے، تعریف ہی تعریف، تیرا ہی شکر ہے، شکر ہی شکر، تیری ہی تعریف ہے. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أنت اغفر لنا، أنت اغفر لنا، أنت اغفر لنا وترحمنا، أنت اغفر لنا وترحمنا، فقدتنا إليك غير مخدوم، غير مخدوم، يا قاضي الحاجات. يا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربي شقيا وكن بنا رؤوفا ورحيما يا اكرم المعطين. اللهم اجعل حبك، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خوفك اخفى الاشياء الي واخطأني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك الشوق إلى لقائه. وإذا أغريت عن أهل الدنيا من دنياهم وأغريني من عبادتي، اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، ہمیں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے.
की हर तरफ पर अपनी मुलाकात का शौक गालिब करता है। अगर दुनिया वालों को उनकी दुनिया से ठंड रखते हैं, तो मैं हमारी आंखों की ठंडक अपनी इबादत में रखते हैं, अल्लाह में अपनी इबादत में रखते हैं। اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك حب عمل يقربني إلى حبك. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تعالى هم أپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ ہم نے اپنی جانوں کو ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمیں درگزر نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لا نکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے انہیں بخش دے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان آمین بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے ہو، اپنے رب پر ایمان لے ہو، اپنے رب پر ایمان لے ہو. ہم نے ایمان لیا، فآمنا. اللہ ہم ایمان لیا، ایمان لائے، ہم اس کتاب کو مان کے ایمان لائے. اللہ ہم نے نہ تجھے دیکھا، نہ تیرے رسول کو دیکھا، نہ تیری کتاب. اللہ تیری کتاب ہمارے سامنے، ہم اس پہ ایمان لے آئے. ہمارے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں مار توفنا مال اپنا نیک لوگوں کے ساتھ بہت کر دے. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. تعالى ہمیں اس پہ نہ پکڑنا، اگر ہم بھول جائیں، ہم غلطی کر رہے ہیں، ہمارے نام پہ پہنچ نہ آ جاؤ جو تم نے ہم سے پہلے، ہمارے نام پہ نہ پہنچتا جاؤ جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مولا، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما أعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومعدا غير مغز ولا فاضل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الله تو میرے دین کو سنوار دے، جو میرے معاملے کا محافظ ہے، تو میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے. اللہم طاہر قلبی من النفاق، وعملی من الرياء، ولسانی من الكذب، وعینی من القیانت، فإنك تعلم قائمة اعین وما تخفي الصدور. ربی اعینی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغي علي. ربي اجعلنا لك شكارا لك زكارا لك رحابا لك استغفارا لك ربي. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واحد قلوبنا واصل سقيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك البرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثق الموازين، وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وفق قضياتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم آمين، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا، فإنك خير الراحمين. يا مصور يا غفار اغفر لنا ذنوبنا، فإنك خير الغافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق دنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكم عدل فيها قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمت أحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب، إنك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصل ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسأل الله العزيز رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،
انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وقاستك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن عمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة، ذرية طيبة إنك سميع. ربي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة القرب. اللهم إنا نسألك الفردوس العالي من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس العالي من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس العالي من الجنة، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم يوم القيامة، اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب مع أول زمرة يدخلونها، اللهم اللهم اهدنا وثبتنا، اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم انك انت العلام الغيوب. اللهم انا نعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، ونستغفرك لما لا اعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفهما وعلما، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، الله إيمان محمد وزينه في قلوبنا رزق مريض الهم مزين كده وكره إلينا الكفر والنسوء اور اللہ تعالیٰ ہم کفر کو فسوق کو نسیان کو ناپسند کریں، وجعلنا من الراشدین اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے. اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر عصایا ولا مقتدین. اللہم ارزقنی عملا صالحا یجری بعد موت، اللہ مجھے ایسے کمال کی توفیق جو میرے بعد میری موت کے بعد بھی چلتے رہیں. اللہم ثبتنا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللهم اغنني بالعلم، اللهم اغنني بالعلم، وزينني بالحلم، وكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم اكفني بحلالك وعن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا
لا يملكها إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت ألا تضلنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من جحد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم يسر لي جليسا صالحا، اللهم يسر لي لأولادي جليسا صالحا، اللهم ثبتنا واجعلنا هاديا مهديا، اللهم هب لي نفسا مطمئنة إليك، اللهم هب لنا نفسا مطمئنة إليك، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم بہت بڑی بلا ہے، اللہ تو ہم سب کو اس سے محفوظ کر دے، اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت وسیع ہے اور ہمارے عملوں کے مقابلے میں اللہ تیری رحمت وسیع ہے، اللہ ہم تو اس سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں تو ہر چیز پر محیط ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا تزکیہ کر دے، ہمارے دلوں کو دھو ڈالے، ہمارے دلوں میں ہر طرح کا کینہ بغض عداوت نفرت نکال دے اور ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے، جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں ان کا ساتھ نصیب کر دے اور قیامت کے دن تکلیف اور ہر طرح کی پریشانی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، ہمیں اپنی محبت اور ہر اس چیز کی محبت دے دے اللہ جو تیری محبت کے قریب کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بچا لے، بری صحبت سے بچا لے، یا رب العالمین دنیا اور آخرت میں نیکیوں کا ساتھ عطا کر دے، یا اللہ ہمارے لیے نیکی کے راستے آسان کر دے، نیکی پر چلنا آسان کر دے یا رب العالمین، ان دعاؤں کو بھی تجھ سے مانگتا جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ان تمام دعاؤں کو جو کسی بھی نبی علیہ السلام نے مانگی، اللہ تعالیٰ تو تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں شفاعت کا ذریعہ بنا دے، ہماری موت شہادت کی وہ میں شہادت کی موت نصیب فرما، ہمارے لیے موت کے مرحلے آسان کر دے، ہمارے قمر قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اس کو روش کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حساب جنت میں داخل فرما دے، اللہ ہمارے والدین پر رحم کر، ہمارے عزیز و قارب پر رحم کر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوست احباب سب پر رحم کر دے، یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو دنیا میں ہیں، جو آئیں گے سب کی مغفرت کر دے، اللہ رب ارحم ہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پر رحم کر، ان پر خاص ہمارا فضل، اللہ اپنا فضل کر دے، ان کو ہر تکلیف سے ہر پریشانی سے بچا لے، اللہ ان کو دوسروں کا محتاج نہ بنا اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ جو والدین دنیا سے چلے گئے ان کو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو فردوس اعلیٰ میں جگہ دے دے، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من القطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وغفلهم دارا خيرا دارا واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم جنه واعيذهم من عذاب في النار، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب العالمين ہماری شوہر کو مریم کی تندر بنا دے، یا اللہ ہمیں ان کا شکر گزار بنا دے، یا اللہ ہماری دلوں میں حبس میں الفت ڈال دے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنا دے، ہم ایک دوسرے کے لیے متقین کا امام بنے، ان کی ہر تکلیف اور پریشانی کو اللہ تو دور کر دے، ان کی بیماریوں کو ٹھیک کر دے، ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، اللہ ہم ایک دوسرے کو دیکھے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ ہمارے شکروں کے دل میں ڈال دے، ہمارے لیے یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کے پنڈک بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی
बिगड़े हैं नौजवान, जो नशे का शिकार है, जो सेक्स का शिकार है, जो दुनिया में हर तरह की बुराइयों के धक्के में आखिरत की नाकामियों की तरफ जा रहे हैं। या अल्लाह, इन सबको दुनिया और आखिरत की नाकामियों से बचा ले या अल्लाह। हर तरह की शर से इनको महफूज रख, हर बीमारी से, हर गुमराही से, हर बुरी दोस्ती से इनको बचा ले। इनको वो समझ बूझ दे या अल्लाह, वो फहम दे जिससे इनकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी इनको नसीब हो या रब्बुल आलमीन। इनको वो फहम दे दे कि अंदर भले और बुरे की पहचान हो जाए, ये अल्लाह के अतार गुजार बन जाए, ये अल्लाह के फरमा बदार बन जाए, ये पपीतों हिला करे या रब्बुल आलमीन। जो माए अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है, या अल्लाह उनको नेक लोगों के, मुत्तकी लोगों के रिश्तों से मिला दे। और जिनकी शादियां हो गई हैं उनके घरों में बहुत तकलीफ और बहुत दुख है, बहुत परेशानी, आपस की ताल्लुकात में तंगी है और रिस्क में तंगी है। अल्लाह ताला उनकी तंगी को दूर कर दे या रब्बुल आलमीन। जहाँ जहाँ भी लोग तकलीफ में, जिस परेशानी में, या अल्लाह तो सबके मुश्किलात को दूर कर दे, सबकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह हमारे वक्त में, हमारी जिंदगियों में, हमारी सेहत में, हमारी औलाद में, हमारी अजवाज में, हमारे अखलाक में, हमारे किरदार में, हमारे घर वालों में, हमारे अमल में बरकत देते दे। अल्लाह हमारे अमल में बरकत दे दे या अल्लाह। जैसे जितने भी लोग बीमार हैं या रब्बुल आलमीन, सबको शिफाए कामिला आजिल अता करे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अदावत तुखा वल आफाफ वल गिना। या अल्लाह जितने लोग बीमार हैं, या अल्लाह जिस जिस के लोग बीमार हैं, सबको शिफाए कामिला आजिल अता करे। या अल्लाह जितने लोग हॉस्पिटल में, या अल्लाह जितने लोग तड़प रहे हैं, जो जिस तरह की तकलीफ में, दर्द में, अल्लाह तो सबकी तकलीफ दूर कर दे या रब्बुल आलमीन। जो बहन मुझे ला के, जो जिस तकलीफ में, या अल्लाह सबकी तकलीफ को दूर कर दे या अल्लाह। या रब्बुल आलमीन इस उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा, जहाँ जहाँ मुसलमान मुश्किल में है या अल्लाह उनकी मदद फरमाओ। अल्लाह हर जगह मुसलमानों पर जुल्म और सितम है, अल्लाह मुसलमानों को जुल्म और सितम से अल्लाह निजात दे, अल्लाह मुसलमानों पर बहुत जुल्म और सितम है या रब्बुल आलमीन। हम सबको वो ईमान दे, वो बेहतरीन इलम दे, वो अमल की तौफीक दे जो हमें तेरे करीब कर दे या अल्लाह। हमें जो भी आजमाइश है, तो सख्ती है, अल्लाह ताला तो हमें हर तरह की आजमाइश में कामयाबी दे, हर तरह की बुरी तकदीर से बचा ले, दुश्मन के खुश होने से बचा ले, नियमतों के जवाल से बचा ले। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, या अल्लाह हम तुझसे आफियत का सवाल करते हैं या रब्बुल आलमीन। कोई ऐसा अजाब जो अचानक आ जाए, अल्लाह हम तेरी नाराजगी से तेरी पनाह में आते हैं या रब्बुल आलमीन। हम सबको लैलतुल कदर नसीब कर दे या अल्लाह, हम सबको लैलतुल कदर नसीब कर दे या अल्लाह, हम सबको लैलतुल कदर नसीब कर दे, हमारी मदद कर दे। अल्लाह हमें अपने अपने हो, अल्लाह हमें अपने हकों को अदा करने वाला, अपने अल्लाह ताला तेरे हक को अदा करने वाला, बंदों के हक को अदा करने वाला बना दे। अल्लाह हम आइंदा बाकी दिनों में रमजान के बेहतरीन इबादत की हमें तौफीक देते हैं। अल्लाह हमें अपनी खश देते हैं, जो हमारे और तेरी नाफरमानी के दरमियान रुकावट बन जाए, ऐसी अदात देते और ऐसा यकीन देते जिससे हमारी दुनिया की मुसीबतें हम पर आसान हो जाए। ऐसी अदात अल्लाह जिससे हमारी दुनिया की मुसीबतें, दुनिया की आजमाइश हम पर आसान हो जाए। अल्लाह तो हमें जब तक जिंदा रख, हमारे कानों को, हमारी कुव्वतों को, हमारी आंखों को उससे फायदा लेने वाला पहुंचा दे। उन्हें या अल्लाह हमारे दिलों को सीधा रख, हमारे सीनों में कोई गल ना है, कोई कदूरत ना है या रब्बुल आलमीन। हमें शुक्रगुजार करने, शुक्रगुजार दिल दे दे, हमें खूब खूब तेरा शुक्र करने वाले बन जाए, जिक्र करने वाले बन जाए, आज से करने वाले बन जाए या अल्लाह, तेरी तरफ रुजू करने वाले बन जाए, खूब खूब आगे बढ़ने वाले बन जाए। अल्लाह इस कुरान मजीद को हम सब के दिलों की बहार बना दे, हमारे सीनों का नूर बना दे, हमारे रंज और गम का जरिया बना दे, हमारी परेशानियों को दूर करने का जरिया बना दे। हम सब का खात्मा ईमान के साथ करना और हमें नेक लोगों से मिला देना। अल्लाह तू हमें कुरान मजीद से दूर ना करना, अल्लाह ये किताब से हमें दूर ना करना। अल्लाह हमें इस किताब से दूर नहीं करना, हमारी जिंदगियों मौत किसी के साथ भी, हमें कयामत के दिन हमें अपने खास बंदों में उठाना,
या अल्लाह, मैं अहलुल कुरान में अल्लाह के खास बंदे इबादुल रहमान, अल्लाह में इबादुल रहमान में उठाना, अल्लाह इस सब को मेरे हक में इज्जत बनाना, मैंने जो गलती है मेरे हक में इज्जत बनाना, बुला ली गई हम सबके हक में इज्जत बनाना यार, बुला ली हमारी हमारी आइंदा नस्लों को इस किताब से जोड़ दे या अल्लाह, इसकी मोहब्बत दे दे या अल्लाह, इन्हें इससे मोहब्बत करने वाला बना दे या रब्बुल आलमीन, मेरे अल्लाह या अल्लाह, हम बैठे हैं तेरी रजा के लिए, तेरे चेहरे के दीदार के लिए, तेरे चेहरे को देखने की आरज़ू करते हैं, तेरी मुलाकात का शौक रखते हैं, किसी नुकसान के बगैर, किसी तकलीफ के बगैर, अल्लाह से नियमत मिलती भी है, नेकी करते हैं तो तकलीफ के साथ, अल्लाह कल तेरा दीदार, अल्लाह जो मांग सके अल्लाह तो उसे भी कबूल कर ले, और जो नहीं मांगा तो उसे भी कबूल कर ले, अल्लाह ताला हमारी तो लिमिट है, हमारा तो वक्त है, तू जानता है हमारी औकात की तंगी है, अल्लाह तू जानता है हमारी कमजोरियों को, जानता है हमारी भूल चूक को, जानता है या रब्बुल आलमीन, तू हमारी हर चीज से वाकिफ है, हम तेरे आगे अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं, अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं, अल्लाह तू हमें माफ कर दे, हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक दे दे या रब्बुल आलमीन, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक दे दे या रब्बुल आलमीन, जिन लोगों ने खास दुआओं के लिए कहा अल्लाह उनकी दुआएं कबूल कर दे, अल्लाह जितने लोग बीमार है सबको सेहत दे या रब्बुल आलमीन, जितनी बहनें आई हैं जिन्होंने इसको सुना, जो जो यहाँ आई है इनका आना बैठना इनका सुनना कबूल कर दे, अल्लाह इनके हक में हमने से किसी से कोई गलती हो गई अल्लाह तो हमें माफ कर दे, अल्लाह ताला ऐ मेरे अल्लाह, अल्लाह मुझसे पढ़ाने में जो गलती हुई है अल्लाह मेरी अपनी बशरी खता है, अल्लाह तो उससे डर को पार कर दे, मुझे कहने से ज्यादा अमल की तौफीक दे दे, अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर दे, इमादुल्लाह वान बना दे या रब्बुल आलमीन, आप सबको सही बात को आगे पहुंचाने वाला बना दे, अल्लाह इबादुल रहमान बना दे, इस काम में जिस जिसने जो हिस्सा डाला अल्लाह, जिसने अपनी सलाहियत से हिस्सा डाला, जिसने अपने माल से हिस्सा डाला, जिसने अपने टैलेंट से हिस्सा डाला अल्लाह, तू जो जो जिसने आने का हिस्सा डाला, जिसने गाड़ जो गाड़ियां ले लेकर अल्लाह, तो सबको अजरे अजीम नवाज दे, उनकी जिंदगियों में खैर बरकत के दरवाजे खोल दे, उनकी नस्लों में खैर बरकत के दरवाजे खोल दे या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, हाँ जो बहनें खास दुआओं के लिए आई है या अल्लाह, वो जो भी हाजात लेकर आई है तेरे दर पर अल्लाह, तूने हमें अपनी हदीस के जरिए से अपने नबी के हदीस से बताया कि अल्लाह पूरे मैदान में लोग खड़े हो जाए और तेरे आगे मांगे तो तेरे देने में इतनी भी कमी वाकई नहीं होती जितनी सुई को समुन्दर में डाल के आती है, तो हम सबके पुकार सुन ले अल्लाह, तो सबकी दुआएं कबूल कर ले अल्लाह, इस मजलिस के खैर बरकत सबको नसीब हो जाए या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत के अपनी बरकत के दरवाजे खोलते अल्लाह, तो हमसे राजी हो जाए अल्लाह, कोई भी ऐसा यहाँ पे ना हो जिससे तू राजी ना हो अल्लाह, इस अल्लाह अपने नबी की उम्मत से राजी हो जाए अल्लाह, हमारी नस्लों से राजी हो जाए, हमें सब्र इस फितने के दौर में हमें हमें सब्र जमीन दे दे, हमें आफियत की जिंदगी दे दे, हमें सुकून दे दे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदि व आलिही व सहाबी अहलि बैति अजमईन, मेरा फतेह का यार रब्बुर रहमीन, यार रब्बुर रहमीन, यार रब्बुर रहमीन, سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا كثيرا، بارك الله فيك، الله تو ہم سے قبول کر، آپ لوگ اپنے لیے 2 منٹ دعا کریں پھر ان شاء اللہ اناؤنسمنٹ آئے گی.
चलिए इंशाल्लाह, आप सबने जो भी हाजत मांगी अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उसके बदले अपने खजानों से आपको अदा कर दे, हम सबको अदा कर दे, जो बहनें यहाँ आ सके, जो ऑनलाइन में है, जो यहाँ नहीं आ सके किसी भी मुल्क से सुन रही है, अल्लाह सबकी हाजतों को जानता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपनी जगहों पे बैठे रहें, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। प्लीज आप लोग सब अपनी जगह पे बैठ जाइएगा, कोई अपनी जगह से ना हिले, अल्लाह ताला हमें बरकत दे, हमारी दुआओं को कबूल करे, वो लोग जो यहाँ आ सके नहीं आ सके अपने घरों में, अल्लाह बस हमें इबादुर्रहमान बना दे, आज से हम अल्लाह के बंदे बन जाए, आमीन, और हमें वो क्वालिटी दे दे जो अल्लाह को राजी कर दे, अल्लाहुम्मा आमीन। आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना है, हम सब के दिल खुले हुए हैं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ज़कात भी दे रहे हैं, सदकात भी दे रहे हैं, खैरात भी दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं रिलीफ ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि ऑर्फन सपोर्ट का है, और इसके लिए हमें टारगेट 12,000 का या 10,000 का हमारा टारगेट है। मुझे पता है कि ये रकम ऑफ कोर्स हमारे लिए जैसे काटल शायद 10,000 निकालना मुश्किल हो, लेकिन मैं आपको सच्चा वाकया बताती हूँ, सब लोग जगह पे बैठ जाए, सच्चा वाकया बताऊंगी। लास्ट टाइम जब मैं दौरे कुरान कम्प्लीट कर रही थी, सॉरी खुलासा कुरान कम्प्लीट कर रही थी, मैंने खत्म किया उसके बाद जैसे आज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही मैंने खत्म किया, एक प्रोजेक्ट मुझे अनाउंस करना था और उसके लिए पैसों की जरूरत थी, यकीन कीजिए मैंने खत्म किया, मैं अभी अपने अब्बू के पास जाके बता रही थी कि अब्बू मेरा हो गया, ताकि अपने अब्बू से दुआएं लूं। उसके बाद जब मैं जब गई तो मैंने मैंने फिर मेरे पास फोन देखा, मिस कॉल थी, एक खातून की थी, तो मैंने कहा कि हमारा ये प्रोग्राम, लेकिन अच्छा आपको कितने पैसों की जरूरत है, मैंने कहा इतने, यकीन कीजिए यूएसए की फैमिली थी, पूरे 10,000 ऑन द टाइम, पूरा एक अमाउंट कैश में उन्होंने 10,000, यकीन करिए मेरी आंखों से आंसू आए कि मैं तो कुरान वाली हूँ कि वो लोग हैं, कहती हैं मैं हैरान हो गई, मैं हैरान हो गई, यकीन कीजिए अल्लाह कैसे दिलों को खोलता है। सेम इसी तरह आपको याद है जिस दिन खर्च करने की बारी आई थी, प्लीज आप सब बैठिएगा अपनी जगहों पे आराम से, जिस दिन खर्च करने की बारी आई थी आपको याद है, आप सब ने अपनी अपनी इस्तेदाद के मौके पर कुछ ना कुछ हिस्सा डाला था, और मैंने आपको बताया था असदकल बुरहान, सबका जो है वो दलील है, किसमें जन्नत में जाने की, जैसे दुनिया में किसी चीज में जॉब के लिए एंट्री के लिए आपको रेफरेंस देना पड़ता है, तो सदका कल बुरहान होगा, दलील होगा, तो आप में से हर एक ने सुनकर कुछ ना कुछ हिस्सा डाला, लेकिन आप ही के सिस्टर्स में से एक ने अपनी बालियां उतार के मुझसे, उनके पास कुछ भी देने को नहीं था, कहती मेरे पास कोई भी कैश नहीं था, मैंने अपनी उसी वक्त मेरे पास बाली थी, मैंने खामोशी से निकाल के अल्लाह के रास्ते में दे दी, मैं नहीं कह रही कि आप कुछ भी दें, आपने आज पढ़ लिया है और आपको पता है कि आपने इबादुर रहमान बनना है, बाज़ औक़ात सदका हमारा देना हमें उस लेवल पर लेके चला जाता है, और वाकई वो सदका हमारी जिंदगी बदल देता है, तो आज आप इस नियत से सदका कीजिएगा कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजर जाए, इंशाल्लाह ये सदके का बॉक्स मौजूद है, ये जिसे कहा जाए ये प्रोजेक्ट है, आप सब तस्वीर दिखाएगा जिसमें नादिया तस्वीर है, तस्वीर दिखाइए, ये 15 ऑर्फन बच्चे हैं जिसे कहा जाए, इनके सपोर्ट के लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह इनके सपोर्ट के लिए 15,000 या 10,000 चाहिए, ये जिसे कहा जाए लाइव कंट्रोल में नजर आएगा, ये सारे बच्चे बैठे रहेंगे, ऑर्फन बच्चे हैं, और आपको याद है यतीम की कफालत करने वाला कैसे साथ साथ होगा, ऐसे साथ साथ होगा, तो आप जो भी हिस्सा डालें, जितना भी हिस्सा डाल सकते हैं डालिए, मैं नहीं कहती मुझे यकीन आपको याद है मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको याद है वला या भी वला या दुना ताम मिस्किन, आपको भरना पड़ता है लोगों को कि आप मिस्किन पर भी खर्च करें, हम सब अपनी अपनी जगह पर ईद के मेले लगे, हम शॉपिंग कर रहे हैं $100 की, $500 की, $200 की, व्हाई नॉट, ये बच्चे देखिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये सारे बच्चे ऑर्फन से आज ही नमाज पढ़ेंगे, आज ही इनसे कहते हैं कि 16 बच्चे हम अभी ला ले रहे हैं, तो प्लीज इसमें कुछ भी हिस्सा अपना 5, 10, 20, 100, 200 जो आपकी हैसियत है, बस ये सोच के डालेगा कि ये सबका के इंशाल्लाह मेरी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी और आपकी जिंदगी को बदल दे और हमें इबादत रखना कर दे। अगर आप किसी जो लोग लाइन चला देते, जो लोग वो मशीन के जरिए देना चाहते हैं, अगर कैश नहीं है तो ये मशीन यहाँ पे मौजूद है, आप इंशाल्लाह डेबिट के जरिए से इंशाल्लाह दे सकते हैं, यहाँ पे मशीन मौजूद है, लेकिन देखिए आज आपने सुना है, बहुत जल्दी आपके जहन से ये बात निकल जाए,
हम सब इंसान है ना, इंसान भूल जाता है, तो प्लीज अगर किसी को मशीन चाहिए डैमेज के लिए, आप प्लीज इसको ले लीजिए, और आप अगर कुछ भी देना चाहते हैं तो अल्लाह के रास्ते में दे दें। बाकी ये कि अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल करे, अगर आज हम नहीं भी देते तो अल्लाह तो बहुत बड़ा है ना, वो तो दे देगा, मुराद है कि वो सारी चीजें पूरी कर देता है। मैं अगर आप किसी को कुछ देती हूँ तो दरअसल मैं अपने लिए फायदा करती हूँ, तो अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे और आपके लिए आसान कर दे, आपका आना यहाँ मुबारक कर दे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला को मेरी बात रहमान बना दे। अब आपकी शेयरिंग की बारी है। जजाक अल्लाह खैर, मुझे शेयरिंग चाहिए, वो बहन स्पेशली जो मुसलसल आ रही है, जो किसी की वजह से नहीं आ सकी। आप किसी कोई आज की शेयरिंग करना चाहता है? ये देखिए, ये भी सख्त है, तो कौन जो है वो शेयरिंग करना चाहता है? प्लीज आप ले लीजिए। वॉलंटियर कौन करना चाहता है? या सबको जल्दी है? अच्छा, अक्षरा लेना चाहती है, बारह। आप अक्षरा करना चाह रही जी? अक्षरा सामने आ जाइए, करीब कर ले, करीब कर ले। बिल्कुल कोर्स आई है सुभान अल्लाह। मैंने शुरू भी रखा था कि एक बार ट्रैवल करने के लिए वापस आई सुनिए, गौर से बात हालांकि सुनिए। पहले दिन के बाद ही जो थोड़ा सा कि अच्छे से था किसी से खाली है। मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था, मतलब कुरान में पढ़ा था तर्जुमे के साथ, नहीं जानती थी आयत के बारे में, और सुभान अल्लाह के सुंदर आयत में इंशाल्लाह पार्टनर रिक्वेस्ट ये कि हमें तुम भी करवा दो, तो इंशाल्लाह की नमाजों में इमाम और जो सबर का उसमें पार्ट इंक्लूड मुझे तो लगता है हम सारी और जो बल्कि पार्टी हर रोज के लिए जी मतलब इस हेलो, तरह की रहती है वो हम आज सब हमने शाम तक सबर कर रहे हैं बताइए, जो आपने आयात सुनी थी बस, आपने मुझे कैसे बताया? तो आई तो जिस बात को मेरे सामने ही थी तो ईशा की नमाज में तीन आयतें पढ़ी, फिर उसके बाद हमने तरावी में भी पढ़ी, तो दो दफा जब सुनी तो असर था। मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि कुरान को तर्जुमे से एक दफा लाइफ में जरूर पढ़े। हमारे यहाँ से 7 दिन हुए हैं, तो वो 7 दिन हम तरावी पढ़ते हैं ना, तो उसकी फीलिंग एक बिल्कुल अलग ही होती है। तो शौक पैदा होता है, जल्दी से पूरा होता है ताकि पूरी तरावी जो है पूरी तरह से पता चल सके। अब भी लग रहे हैं थोड़ी थोड़ी कोशिश है, बहुत स्लो करते हैं, लेकिन वो स्लो का जो असर काम करता है वो फास्ट प्रोसेस नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह। अच्छा, नादिया को दे दीजिए, इंजन करीब आ जाओ। हाँ जी, सेम एक्सपीरियंस मेरा अच्छा हुआ, मेरी कार में अक्सर कुरान की तलावत लगी रहती है, और बाई चांस मैं इंस्टीट्यूट आ रही थी तो सूरत फुरकान के आखिरी 10 आइटम, तो हालांकि हमें ये तलावत एवरी डे लगती है लेकिन इस तरह दिल पे असर नहीं हो रही थी जिस तरह आज मेरी फीलिंग थी, कि मुझे लग रहा था कि एक एक आयत मेरे दिल पे गुजर रही है, जैसे हम मतलब अजाब की बात आती है, चलने की बात आती है, बारिश करने की आती है, वो दिल महसूस कर रहा है। सुनाना ऐसा लगता था हमने कुरान देखा ही नहीं, तो अगर हम हर आयत को बल्कि मेरे रिक्वेस्ट है, अगर हम हर आयत को हर रमजान में 10 दिन इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें सुनाना कहीं पे भी सुनी जाएंगी तो हमारे दिल से निकल कर जाएंगी। तो बस अल्लाह ताला अमर की तौफीक है, बहुत बेनिफिशियल था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो इतना बेनिफिट किया है, मैंने अपने अमल में चीजों में शुक्रगुजार बनना और खास करके सफर सफर तो मुझे लगता है सारे ही शब्दों में बेहतर थे। सिस्टानिया ने ही माशाल्लाह ये बनाया है पूरा सक्सेसफुल क्लीवर सा, सुभान अल्लाह। सिस्टर माशाल्लाह रुखसाना हमारे साथ आए थे, पहुंचे थे जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जो असर इस दफा हुआ है ना तीन तरीके की आयत ऐसे लिखी है कि ये बाकी अल्लाह तआला हमसे क्या कि कह रहे ओ खान के तेरे आप बाबा रिस्पॉन्स बोलना चाहते हो क्या नहीं तो बोलो फिकर करते कुरान की जी,
रुबीना को दीजिए, पीछे से आपके हमारे घर से पहले इनको दे दी रुबीना प्लीज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पीछे से भी देगा तो और भी लोग कह रहे हैं जी। आप बताइए साफिया। रमजान एक ऐसा महीना होता है जिसका वादी हम कुरान से जोड़ दो, बाकी सारा साल हम होता है, लेकिन पता नहीं वो कैसी आयती है, हालांकि वही आयतों से इतनी दफा हो गई। तो मैं दोबारा कुरान की रिकॉर्डिंग से आ गई थी कब से, जब ये वाली आयत मैंने सुना गई। लिटरली मैं अरबी सुन के समझ में आ रहा हूँ, अरबी सुन के जब मैंने उसके तफसीर जब आप बता रहे थे उसकी वो सुन के सुन चुके, और उसके पढ़ के हम गुजर गए, उस वक्त शायद हमारी गलती हो, लेकिन अभी दोबारा सुना तो लग रहा है किसी और। तो सबर सबर के लिए तो लिटरली मुझे लग रहा था कि मैं जब सुन रही थी सारे सबर के जो हजरत अली का फरमान जब आपने बताया था कि मैं जिसम में सर के मुकाम है सबर, सबर नहीं तो ईमान है। उस दिन मैं जाके घर पे सोच रही थी, और उसी वक्त जो है वही बच्चों के आगे पीछे सिलसिले चल रहे होते हैं, मतलब उसमें मेरा सबर कहाँ गया। सही कह तो वो इतना तकलीफ दे होता है लेकिन बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस तकलीफ, मुझे ये होता है कि मैं अपने लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला इस तकलीफ को बरकरार रखे, क्योंकि अगर ये तकलीफ एक दफा चली गई सही कह नहीं आई, तो सबर के लिए कोशिश कर कर सकते बिल्कुल सही सकते कह हैं, अल्लाह ताला हम सबको सबर करने वाला, हर दफा हम प्रार्थना करते रहते हैं कि सबर जो है अल्लाह ताला हमसे सबर करवा ले, हम सबर की दुआ करते रहते हैं। पता नहीं वो सबर तो हो ही नहीं पाता जो साले ही पर तबियत आबाई पर आता सबर पता नहीं पहुंच पाएंगे भी कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बस अल्लाह ताला इस के जिसम पाल के छह के जिसम से जो सबर हमसे हो सकता है अल्लाह ताला हमें उसे कबूल करेंगे, क्योंकि हम और उस आज लेवल तक तो नहीं, लेकिन सही कह रही, हाँ आज आपने देखा मैंने ना, अजर अजर किसके बराबर, अगर आज हम सबर करेंगे तो कल सहाबा 50 सहाबा के बराबर, इतने फितने हैं ना, 100 में सबर करना 50 सहाबा के अजर सवाब के बराबर है। अल्लाह अकबर। और जो सुनी थी ना हदीस के अंदर, बाकी इंशाल्लाह जी ससुर अमीना प्लीज। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। इफ यू आर नॉट कनेक्टेड समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट, आई डोंट नो, आई डोंट नो हिंदी, हेलो सो एनीवे आई ऑलवेज हैव द लीड, बट हाउ मेनी टाइम्स यू दिस द तफसील ऑफ द कुरान, इट हिट्स यू डिफरेंटली एवरी टाइम, एंड आई टेल एवरीबॉडी that if you have any issues in your life, open the Quran, read English or the Arabic, whatever you can understand, and you will find the answer. And as you talk, listen, it's a heart to all of Subhanallah. you. We have all. Yeah, this is a lot. Alhamdulillah. Allah. Many of my mom, with जी your अल्हम्दुलिल्लाह family, own your friends, जी all that. अल्हम्दुलिल्लाह That will be your sadaqa jariya today, एग्जैक्टली inshallah. बारक अल्लाह आमीन।
कोई और इंशाल्लाह लेगा, प्लीज आप में से कोई और, जी इधर से लोग हैं लेफ्ट साइड से इंशाल्लाह। जी सिस्टर माशाल्लाह हमारी टीचर सर बारकल्ला सिस्टर हेरा, सिस्टर हेरा आप इंशाल्लाह लीजिए। अच्छा सिस्टर यहाँ से ले लीजिए, सिस्टर ये कह रही है सिस्टर सलमान जी, जोर से कहिए काम। वही बात है जो सब सुनने के लिए आप तो जाने जी पीछे था जब सूरज जी और कान हाँ इन्होंने सुनी मुझे तो वहां से पर्सनल गई मैसेज किया तो था। बता नहीं सकती मैं क्या कैफियत आ रही है। ये तो सहाबा की कैफियत सारी होती थी और वो उम्र उठने को तैयार होते थे। आमीन और सबर जो मैंने अपनी लवली को कोई सबर ही रखा तो पे रखा है हम और सब ने मैंने रखा वो लेवल तो बिल्कुल पता नहीं जी कभी आया है लेकिन ये जरूर है से काम जी से फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है माशाल्लाह। बस कोशिश ये है, ये देखे यही अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। अभी सिस्टर आमिना भी नहीं, ये भी कहते हर रेमेडी हर तरह की पेन के लिए, और आपने जब कुरान को रीडिंग करते ठीक है असर होती है, लेकिन जब आप उसकी फहम तदब, वही मैंने आपको जब वो वाली आया जो उससे पहले की उसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि अगर वो टूटा भी है ना तो रिमाइंडर एकदम सा है कि यार टूट सुबह जाए ये क्या और अगले दिन फिर उसकी थोड़ी सी नदम। बेहतरी होगी जी बेहतरी हुई थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होगी लिटरली चलिए अल्लाह फर्क की पड़ा। रहमत है कि 15 दिन में भी अगर हमारे अंदर थोड़ा भी फर्क पड़ जाता है अल्लाह ताला का इंदर। पीछे से सिस्टर जी, सिस्टर नाम भूल गई, वहीदा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर वहीदा फिर जितने दिन हमने चला तो लगा कि दिन हमेशा हो गया इधर उधर की और चीज तो लगा ही नहीं है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ज्यादा सुनते जा रहे हैं उतना ज्यादा तो दिल जो है ना जी तो जी 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 जो कुर्सी जी बन रहा है तो वो उससे बिल्कुल जैसे कितना ठहराव हो गया आ जा रहा है दिल में और ऐसे हो गया कि सुभान कितना फर्क पड़ गया। और आज आपने देखा ही नहीं ना कि रब ना कबला ना निगरानी टिक जाती है, बस करार आ जाता है जो बच्चे और नींद सब अल्लाह के रास्ते में लग जाए तो ऐसा सुकून कि आपकी निगाहें उठती नहीं है। अल्लाह आमीन, अल्लाह सब सुदमा तौफीक दे अल्लाह। होगा दौरा तो बहुत अच्छा होगा फिर वैसे ही दिनों में से गुजरते गए हैं बहुत अच्छे लग अल्लाह आमीन, रहे हैं तो जैसे एक अमूह भी है तो वैसे ही जैसे अल्लाह। और कोई शेयर करना चाहते हैं अभी जीते इंशाल्लाह सिस्टर फरीदा, सिस्टर इंशाल्लाह ले लीजिए, ये सिस्टर मनीरा भी कह रही है। जी जी सिस्टर जनाज प्लीज। उसको वालेकुम अस्सलाम, पानी गुलाम और उन सबसे मैंने कोशिश करूंगी आप लोग भी सब मेरे लिए दुआ करें जो मैंने आपके अपने वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वही वबरकातुह। लम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यकूलून वाग़फ़िर ली मा ला याकूलून। जी पक्को जी जी बिल्कुल आप सही, क्या क्या मैसेज दे रहा है ये बेचैन ईमान है ना, बेचैन करता इंसान। और
जनरेशन दो दो की बातें मेरे ग्रैंड किड्स ربنا هب لنا من أزواجنا شهداء جنة دي ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك وزد ما شاء الله تسع جنة سبحان الله दूसरे दिन आई तो अलहमदुल्ला ये दुनिया जो ऑनलाइन आप सुनते घर में बैठ के और जो क्लास में बैठ के सुनते हैं उसमें बहुत फर्क है। और आपको जो इतने क्लास में बैठ के सुनते नहीं आते हैं। और आपको इनको बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं आमीन। आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं اللهم لك الحمد ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله جي إن شاء الله पीछे से कौन पीछे से बीना कौन है जी बीना हाँ प्लीज आप कहिए जी अब क्लोज हो जाएगा हाँ क्या है मतलब कि आज लग रहा है कि सब्र तो अपनी जिंदगी में है ही नहीं कहाँ है सब्र कहाँ है उसका जिंदगी है। छोटी छोटी और बातों पे जो रोते आप हैं माशरे को देखें तो सब्र लगता है उनके लिए गाली लगी है कि आप सब्र क्यों कर रहे हैं हम क्यों सब्र कर रहे हैं हमारे लिए रहते हैं सब्र वी हैव अ राइट्स तो हमें बिल्कुल सबर की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है तो इतनी आज राइट्स हैं यहाँ पे कि आपको सबर की जरूरत ही नहीं जी पड़ती। यू आर सेल्फ सफिशिएंट आपको बिल्कुल नहीं चाहिए आपको अजवाज भी नहीं चाहिए बच्चे भी नहीं बिल्कुल चाहिए आप इंडिपेंडेंट हैं जैसे बिल्कुल चाहिए जी राइट आपको सबर को तो आपको पता ही नहीं कि सबर होता क्या है। सुभान अल्लाह माँ कहे अगर बेटी का तो बेटी का है मैं क्यों करूँ तो मियाँ कहे कुछ तो बीवी का आप कौन होते हैं देखने वाले। मतलब जो हमारा एटीट्यूड बन गया है सबक के मामले जी में तो बिल्कुल आज नजर आया कि उसके क्या अजर है उसके क्या मकाम है सुभान और हमें सबक किस तरह को जी नीचे तक रखना है उसे रखकर इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह। इधर सिस्टर कौन नहीं इधर से सिस्टर मनीरा नहीं जी उधर से पीछे से कोई लिसनर जो नए आए कोई बताएंगे अपनी कोई शेयर अब कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो ले ले नहीं तो कोई कोई जबरदस्ती नहीं कोई भी वॉलंटियर ही कुछ कहना चाहता है। हाँ क्योंकि अल्लाह की बात है ना तो अल्लाह की तो बात है जी 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 सिस्टर सिस्टर हमारा जी सिस्टर जी बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल बिल्कुल खुश नहीं बिल्कुल नहीं बस एक रूटीन है बस हैबिट असल नहीं बिल्कुल हाँ उसको समझते का कि हम खुश होते कि नमाज पढ़ ली कुरान पढ़ लिया ये कर लिया पता ही नहीं है कि वो जो एलिमेंट्स है मिसिंग है वो आप भी अगर आपने एक पेज पढ़ा लेकिन आपने आधा घंटा तदब्बुर करके रो के अल्लाह से माफी मांगी वो उससे बेहतर है जो आपने पूरा कुरान का जो पढ़ लिया सुभान मेंटली काम सुभान अल्लाह बारक अल्लाह कौन रह गया बस इंशाल्लाह एक दो कमेंट्स ले लीजिए फिर इंशाल्लाह कौन है सचो मुनीरा जी हमेशा कहती है बारक अल्लाह जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और काफी इस बात को सुना आपने सुना सब कुछ सुना यकीन जी करें ये बात रहमान का किस्मत तमाम आपने कुरान किया वाकई बहुत टचिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह और सब लोग शुरू में मैं भी उन्हीं में उनके इंक्लूड हूँ मैं सोचती थी कि इतनी दूर से आना कस्टम में रहे तो जी सबसे ज्यादा अपनी क्लास लेकिन डेली फिर आना मैंने अल्लाह ताला से दुआ मैंने कहा अगर मैं एज ए नमूना में जाती गाड़ी की ड्राइव करके जाती हूँ सुभान एवरी मतलब अपनी क्लासेस लेती हूँ मैं मुझे 10-11 साल हो गए आई नेवर टेक अ डे सुभान मैं मतलब पाकिस्तान में गई तो ऑनलाइन जाके मैं सुनती रही मैं माशाल्लाह लोग
कुछ करती हूँ, मगर इस मरतबा मैंने घर पर लॉक किया, ये फोन किए सब चले मेरे साथ, मैं लेके आऊंगी, मगर मुझे बहुत तकलीफ से बहुत दुख से जाना पड़ता कि मेरी ईमान है अपनी जानने वाली यहाँ पे आने वाली, उन्होंने रिजेक्ट किया, इसलिए क्यों रोज सोती नहीं ना, वो उठती है देर से, वो टायर्ड है, रमजान के महीने में मुझे बहुत तकलीफ है, मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं उनको फोन करके कुछ माजरा और सुनू, पर सारी माजरा अल्लाह ताला कबूल करे जो कुछ भी कहा जैसे भी कहा, मगर मेरा दिल बहुत, हम लोग इस वक्त बैठ के रो रहे हैं, कहते हैं हमें इस तरह को मत दे, अल्लाह ताला सब्र दे दे और हमें इस्तकामत दे दे, इस्तकामत तो बनाने से आती है, सोचने से आती है, सब्र करने से, तकलीफ उठाने से। मैं भी उठती हूँ, मैं सुबह सहरी बनाती हूँ, मैं इफ्तारी बनाती हूँ, मैं अपना और दोनों का देता, बच्चे जो है मेरे बहू बेटा वो बच्चों के साथ हल्का खाते फीका खाते, तो मैं खुद उठती हूँ, मैं उठने सब के लिए सुबह बनाती हूँ, आई एम सर्व की देता हूँ, और मैं सारे काम अपने घर में पूरे करती हूँ, अंदर के बाहर के रूप से सब करती हूँ, ईमान तो ये जवान है 40 45 50 और ढेर लोग, सुधारने की ईमान है, ये मेरी क्लास में है, मेरी क्लास में मैं मारने का काम, बस ये इनका ईमान बोल रहा है, ये अंदर से जो ईमान है ना ये हर मुझे सिर बहुत पर तकलीफ जाता है, होती है, नहीं क्योंकि आ रही, मैं भी किसी के लिए नहीं आ रही, मैं शो ऑफ के लिए नहीं आ रही, मेरा दिल चाहता है, मैं कहती हूँ क्यों घर में बैठी है, स्कूल जाता मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, मैं एफर्ट नहीं कर सकती, लोगों को लेकर मैं मुश्किल का घर जरूर उठा सकती, मगर मैं लोगों को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, और होती है बात, मगर बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे कहते थे हमें लेके जाओ, उसको तक नहीं उन्होंने, बस इंसान है, तो नहीं हम लोग कितनी यहाँ बैठ के रोते हैं, जब सच्चे तो सब दिखावा, बस इंसान है, हमें आपकी जो दुआ अल्लाह करनी चाहिए, इस्तकामत दे दे, हमें इस्तेकामत का पहाड़, इसीलिए बाकी बहुत तकलीफ है, आप देखेंगे मैं एक मैंने 10 लोगों को दी, आज जो लोग आ गए तो ये वो ये तो नहीं कहेंगे कि उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, ये कुरान है, ये समझ मेरी बात पीछे डाल दीजिए, अल्लाह की कसम खा रही हूँ सबको गवाह, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ इस कुरान का मुझसे, सिर्फ इस कुरान और इस अहदीस की बरकत है इन हम सब के दिल में रहते, कहने वाले तो बहुत सारे इस दुनिया में, बहुत से लोग अल्लाह का पैगाम देते हैं, लेकिन क्यों है कि बाज की बात आपके दिल पर असर करती है और आपके दिल में हलचल मचती है, इसलिए वजह ये होती है कि ईमान जो सामने वाला आपको बात कर रहा है वो भी ईमान ईमान से माला, वो अपने ईमान की बदौलत आपको ये मैसेज दे रहा है कि हमें से किसी के लिए आसान है, मेरे भी 4 बच्चे हैं, मेरे भी हर एज के बच्चे हैं, लेकिन बस वही अल्लाह जिससे अपने काम करवाता है करवा लेता है, और इन पर्सन की तो बात अल्लाह के, चलिए जी सिस्टर पीछे से लास्ट कमेंट ले लीजिए सिस्टर, नहीं ये थोड़ा जो योर हार्ट इज सुभान डिजॉल्विंग अल्लाह क्लास अल्हम्दुलिल्लाह लाइक बारक अल्लाह सिस्टर पीछे से सिस्टर जी, सुभान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, माशाल्लाह बारक अल्लाह इस बार जो मेरी चेंज आई है कुरान पाक का तर्जुमा सुन के, और बहुत ज्यादा यही चाह रही हूँ कि जब भी अल्हम्दुलिल्लाह बारक अल्लाह माशाल्लाह इस्तेकामत का पहाड़ बना दिया, बारक अल्लाह ये कुरान का मौजदा है सर, सो भी आप कुछ कहेंगे मैं बस ये कहूँ कि जो किताब है जब आप इससे जुड़ते हैं तो इससे का ओनली वे अल्लाह, और जब आप अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाते हैं, जब आप सिर्फ अल्लाह जाएंगे तो फिर आपकी जिंदगी बदलती है, आपको रास्ते नजर आते हैं, फिर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो फिर आप बल्कि नमाज आपको 3 काम नजर आते हैं, सुभान वरना तो आपने सारी नमाज पढ़ी पूरे पड़ी पड़ी और अल्लाह नमाजें पढ़ी, जब आप इससे जुड़ते हैं और तभी हमारा बेशक दिल की आंखें खुलता सही कह रही बस है, इधर वरना और जी, और आपने वो स्टोरी में देखा वो अंधा था, उसको अल्लाह की बसीरत इतनी थी जिसके हाथ पांव नहीं है, कहा आंखें नहीं है लेकिन उसको सब पता अल्लाह की बसीरत के बारे में, और हम आंखों वाले इतने अंधे कि हमें अल्लाह ताला के बारे में तारीफ करना भी नहीं आती,
अल्लाह ताला हमें माफ की जजाक में जिससे सब सदियां कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह बारक अल्लाह। चलिए जी सर सिस्टर फौजी जी क्विकली ले लीजिए इंशाल्लाह बस 1 मिनट 2 मिनट में हमें माइंड अप करना नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। जी बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम इतने अच्छे से मैं भी अभी पढ़ सकता अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिल में एक शक होता है जो आपको बाधा देता है जी। आपको वो एक बात नहीं रखते जब आप नहीं उसी चीज को आपने देखा कि मैंने किस तरह इतने सारे लोगों को आपके इंसान जब वो सुबह शुरू करते हैं तो आप उसी कौन है लास्ट में जैसे सही रहा हूँ प्लीज इंशाल्लाह। ये हमारी टीचर है बिल्कुल माशाल्लाह तजवीद की टीचर है माशाल्लाह वैसे भी सब्जेक्ट पढ़ाती हैं माशाल्लाह बारक अल्लाह स्कूल में पढ़ाती हैं जैसे सही रहा प्लीज आवाज बिस्मिल्लाह नहीं आप ले लीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह सबको शाम से मतमईना बना दी जिसका अल्लाह के दिन कसीरा हम सब खाना कबूल करें अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत में छुपा ले हम सबको लैलतुल कदर नसीब कर दे और हम सब के खताओं से दरगुजर करके अल्लाह ताला हमें अपना नई बनाए अपना तब तक दे दे जिसका अल्लाह के बारक अल्लाह भी इंशाल्लाह आपसे आप जो बुखारी के स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह 3 मई पे क्लासेस रिज्यूम होंगी आप लोग अपने क्लास के साथ इंशाल्लाह आइएगा और इंशाल्लाह जब कोई न्यू कोर्स होगा आपको जरूर अनाउंस किया जाएगा इंशाल्लाह। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जकात दी जाएगी इसमें वैसे सबका भी जाएगा अगर कोई जकात वगैरह भी जिसे काटा देना चाहता है तो दे सकता है जजाक अल्लाह खैर जजाक बारक अल्लाह फिक इंशाल्लाह जिंदगी में तो आपसे फिर कभी किसी सेशन में मुलाकात होगी ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. जी जी बिल्कुल
मुझे भेज दिया आपने। मामा आपका लैपटॉप बंद कर रहा नहीं।